पुस्तक के सभी सम्मानित सज्जनों, दूसरी बार आपके गांव में व्याख्यान के लिए आया हूं। पिछली बार आया था, आपसे मैंने कुछ बातें कही थी देश की आर्थिक स्थिति के बारे में, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में। आज आपसे एक नई बात कहना चाहता हूँ जो पिछले 5-6 महीनों में इस देश के सामने पैदा हुई। हमारे देश में पिछले 5-6 महीने में एक घटना घटित हुई और उसके बाद हमारे देश के ऊपर कई तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई उस दुर्घटना के बाद। उस घटना के बाद घटना ये थी, मई के महीने में भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए। जब भारत के वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए तो अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगा दी और अमेरिका की सरकार ने भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई। उसके बाद जापान की सरकार ने भी भारत के ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई। अमेरिका और जापान के बाद दुनिया के बहुत सारे देश हैं जिन्होंने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगाने की घोषणा की। बहुत सारी संस्थाएं हैं दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने भारत के खिलाफ पाबंदी लगाने की बात कहना शुरू कर दिया। जिन संस्थाओं को इस मामले में बात कहने की कोई जरूरत नहीं थी उन संस्थाओं ने भी भारत के ऊपर पाबंदी लगाने की बात, भारत की टीका करने की बात, भारत पर आलोचना करने की बात कही। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर एक अजीब सी हलचल हो गई। भारत के वैज्ञानिकों ने अगर 5 आणविक परीक्षण किए तो, क्योंकि पहली बार तो ऐसे आणविक परीक्षण हुए नहीं थे पूरी दुनिया में। अगर ये काम पहली बार दुनिया में हुआ होता तो शायद इस तरह की हलचल होना स्वाभाविक होता। इस तरह के आणविक परीक्षण दुनिया में बहुत बार हो चुके, इनने कई बार किए, कोई पहली बार तो ऐसे आणविक परीक्षण हुए नहीं। तो फिर अचानक से क्या बात थी जो अमेरिका ने इन आणविक परीक्षणों पर इतना ज्यादा हंगामा खड़ा किया और हमारे भारत के ऊपर उन्होंने आर्थिक पाबंदी लगाई। इस राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। आज जिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय माहौल को समझे बिना हम हमारे देश की सुरक्षा कर नहीं सकते, अपने राष्ट्र की रक्षा कर नहीं सकते। इसलिए कई बार मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में बहुत गंभीरता के साथ हमको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए अपने राष्ट्र की दृष्टि से। अब बात समझ में आ रही है कि अमेरिका ने ये जो आर्थिक पाबंदी लगाई, जापान ने आर्थिक पाबंदी लगाई, भारत सरकार के ऊपर तमाम तरह का दबाव हुआ, उसके पीछे मकसद क्या था। आज के अखबार में एक बहुत ही बुरी खबर है, शायद आपने भी पढ़ी हो। सवेरे से जब से मैंने वो खबर पढ़ी है मैं बहुत अशांत हूँ। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम सीपीवीपी पर हस्ताक्षर कर देंगे। अब तक पिछले 50 साल से भारत का ये दृढ़ निश्चय रहा है कि हम सीपीवीपी पर और एनपीटी जैसी संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। कि सिद्धांत रूप में हमारा सीपीवीपी से कोई विरोध नहीं है, ये और भी खतरनाक बात है। अब तक 50 साल से हमारा सैद्धांतिक विरोध ही था सीपीटीपी, और सैद्धांतिक विरोध क्या था? सैद्धांतिक विरोध यह था कि सीपीटीपी नाम की संधि एक ऐसी संधि है जिसमें दुनिया के अमीर देशों के पास हर तरह का परमाणु हथियार रखने की खुली छूट है और गरीब देशों को परमाणु परीक्षण करने की भी छूट नहीं। माने हमारे जैसे गरीब देश हैं जो पूरी दुनिया में, वो अणु परीक्षण भी नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका, चीन और फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन और रूस जैसे जो देश हैं वो ना सिर्फ अणु परीक्षण कर सकते हैं बल्कि आणविक हथियार बना भी सकते हैं। इसकी खुली छूट है सीटीबी के नाम की संधि।
तो पिछले कई वर्षों से भारत में जो विरोध हो रहा है सीटीबीटी संधि का, वो इसी बात पर हो रहा है कि हम ऐसे सिद्धांत को नहीं मान सकते जिसमें दुनिया के कुछ राष्ट्रों को विशेष अधिकार दिया जाए कि वो अणु बम बना सकें और बाकी सब राष्ट्रों को कोई भी अधिकार नहीं दिया जाए कि वो कुछ भी हथियारों का परीक्षण ना करे। किया है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के नेता थे और श्री इंदु कुमार गुजराल इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनका पार्लियामेंट में भाषण था 1.5 घंटे का, जिसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये परमाणु भेदभाव की नीति हमको मंजूर नहीं है। और आज अचानक से सरकार ने इतनी बड़ी पलटी खाई है कि आज के अखबार में उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया है कि हम हस्ताक्षर कर देंगे। अब समझ में आ रहा है कि अचानक से मई में जो अणु परीक्षण हुआ और उसके बाद अमरीका जैसे देशों ने जो दबाव डालने की राजनीति शुरू की भारत के ऊपर, जो आर्थिक पाबंदी लगाकर सरकार पर दबाव डालने की नीति शुरू की, उसमें भारत सरकार फंस गई और अमरीका के सामने अब भारत सरकार सरेंडर करने जा रही है। आज एक दूसरा बयान और अखबार, इनका नाम है श्री जसवंत सिंह, वो बातचीत कर रहे हैं अमरीकी सरकार के एक सचिव से, उसका नाम है स्ट्रॉक टॉलबोट। स्ट्रॉक टॉलबोट बहुत निम्न स्तर का अधिकारी है और भारत में जसवंत सिंह जी केंद्रीय स्तर के मंत्री स्तर के व्यक्ति हैं। उपाध्यक्ष जो होता है योजना आयोग का, वो केंद्रीय स्तर का मंत्री होता है और स्ट्रॉक टॉलबोट अमरीका में एक अंडर सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है। तो सबसे ज्यादा अपमानजनक तो ये बात है कि भारत के केंद्रीय स्तर का मंत्री अमेरिका के एक निम्न स्तर के सचिव के साथ बातचीत में लगा हुआ। अगर भारत सरकार के मंत्री श्री जसवंत सिंह जी, जो मंत्री की हैसियत से वहां पर हैं, सिर्फ योजना आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से नहीं है, वो अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत करते, तो बात समझ में आती है कि एक मंत्री स्तर पर बातचीत कर रहा है। लेकिन और जसवंत सिंह जी का भी जो कहना है वो इसी तरह का कि अब हमको सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने की बात मान लेनी चाहिए। इसी बात को चाहते हैं जो उनके बयान में है कि अगर अमेरिका कुछ तरह की टेक्नोलॉजी देने के लिए हमको तैयार हो जाए तो हम सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दें। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम होगा अगर भारत सरकार इसको करती है अगले हफ्ते भर में या 10 दिन में। आज के बयान से ऐसा लगता है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विदेश यात्रा से लौटेंगे, अभी यूनाइटेड नेशंस के जो जनरल असेंबली का सेशन है उसमें भाषण देने के लिए वो गए हैं, हो सकता है वहीं पर हस्ताक्षर कर दें या हो सकता है उसके 1-2 दिन आगे पीछे हस्ताक्षर कर। एक राजनीतिक दुर्घटना में मानता हूँ गैर करार पर हस्ताक्षर होना 15 दिसंबर 1994 को, और उससे बड़ी दूसरी दुर्घटना में मानता हूँ सीटीबीटी पर हस्ताक्षर होना जो अगले कुछ दिन में होगा। तो इस बात की गंभीरता का अध्ययन हम सबको करना होगा कि आखिरकार इनकी मजबूरी क्या है, ये कौन से दबाव में काम कर रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर दबाव किस तरह की है और बौखलाहट किस तरह की है, और इसमें से बाहर निकलने के लिए हमको कोई रास्ता सुझाई देता है क्या, दिखाई देता है क्या। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आज से ही बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पास हजारों लाखों पत्र पहुंचने चाहिए कि हम देश के लोग नहीं चाहते कि आप सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करें, हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया लेकिन इस बात के लिए नहीं बनाया कि आप सीटीबीटी जैसी संधि पर हस्ताक्षर करें। कम से कम जब तक पार्लियामेंट इसके लिए आपको परमिशन नहीं देती तब तक आप सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। हमारे यहां स्थिति शायद वैसी हो सकती है जैसे पाकिस्तान में, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पूरी तरह से अमेरिकन दबाव में सरेंडर कर गया है और हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्ताव भी पारित करवाने की कोशिश की जो दुर्भाग्य से पारित नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जितने एमपी बैठे हैं वो सब इसके विरोधी हैं और वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहता है कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यही स्थिति भारत में भी हो सकती है, हो सकता है भारत के प्रधानमंत्री चाहते हो कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना चाहिए लेकिन हमारी पार्लियामेंट में अगर ये प्रस्ताव आए तो मैं 100% विश्वास से कह सकता हूं कि इस पर वोट नहीं पड़ेगा समर्थन। हो सकता है
भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सांसद उसके विरोध में वोट डाले। जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री का ये प्रस्ताव पर पार्लियामेंट से व्यक्तिगत हैसियत से, आप अपने संगठन की हैसियत से, इस गांव के दूसरी संस्थाओं की हैसियत से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जितनी चिट्ठियां भिजवा सकें प्रधानमंत्री के हाउस में, प्रधानमंत्री के कार्यालय में, या यहां से टेलीग्राम जा सके, ताकि सरकार पर इस बात का दबाव बनना चाहिए कि भारत के लोग इसके समर्थन में नहीं है, और उनको ये बात का अंदाजा लग जाना चाहिए कि अगर हमने ये गलती की तो इसका भुगतान इस देश के लोग हमको करके दे देंगे। माने इस देश के लोगों को यह भी सिद्ध करना होगा कि वो राष्ट्र के साथ हैं या सरकार के साथ हैं। ये ऐसी संकट की घड़ी है इस समय देश के साथ। अब हमको या तो राष्ट्र को चुनना है या सरकार को चुनना। मेरा मानना यह है कि सरकारें कुछ नहीं है राष्ट्र के साथ। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकारें आज चल रही है, कल नहीं भी चलेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं भी रहेंगे, लेकिन इस राष्ट्र को रहना है इस देश में। इसलिए राष्ट्र की कीमत पर कोई भी समझौता हो नहीं सकता और राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और कम से कम सीटीडीपी एक ऐसी संधि है जिस पर राष्ट्र की राजनीतिक संप्रभुता खतरे में टिकी हुई है। इसमें दो तीन बातें बहुत ही भेदभावपूर्ण हैं। एक तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहली बात जो भेदभाव की है सीटीडीपी संधि में वो ये कि भारत जैसे राष्ट्र पर अणु परीक्षण करने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी, और अणु परीक्षण करने पर पाबंदी लग जाएगी तो आणविक हथियार बनाने पर पूरी पाबंदी लग जाएगी। और आप जानते हैं हमारे पड़ोसियों के पास आणविक हथियार है। हमने सिर्फ अणु परीक्षण किया था 11 और 13 मई को, अनुभव अभी तक नहीं बनाया। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर सरकार परमिशन दे तो शायद 400-500 अनुभव हमारे वैज्ञानिक अगले 5-7 वर्षों में 10 वर्षों में बना सकते हैं, लेकिन बनाया अभी तक एक भी नहीं। जबकि हमारे पड़ोस में चीन है जिसके पास 46 अनुभव है, हमारा पड़ोसी रूस है जिसके पास 715 अनुभव है, हमारे यहां नजदीक है, बहुत नजदीक तो नहीं है लेकिन ब्रिटेन है, उसके पास 180 परमाणु बम है, अमरीका के पास 20,000 अनुभव, फ्रांस के पास 1,500 से ज्यादा अनुभव है। तो इन सब देशों के पास हजारों की संख्या में अनुभव है, और इनमें से किसी भी देश ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि हम हमारे अनुभव को नाश करेंगे। ना अमेरिका चाहता है अपने अनुभव का सत्यानाश करना, ना फ्रांस चाहता है। भारत अगर यह संधि करता है तो भविष्य में किसी खतरे में हम फंस सकते हैं। और आप जानते हैं इस समय चीन की दोस्ती पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। चीन और अमेरिका जब भी चाहेंगे पाकिस्तान को आणविक हथियार उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि जब जब हमारा पाकिस्तान से झगड़ा हुआ है अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। 1972 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ था और हमारे देश की सेनाओं ने बांग्लादेश बनाने का अभिक्रम किया था, क्यों किया था? क्योंकि बंगाल में समस्या पैदा हो गई, बांग्लादेशी शरणार्थी भाग भाग कर बंगाल में आ रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बंगाल में आ चुके थे, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होना शुरू हो गई। तो बंगाल के मुख्यमंत्री के निवेदन पर और इस देश के तमाम दूसरे बड़े नेताओं के निवेदन पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसमें हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश को बनवाया ताकि हमारी समस्या टल जाए। हमारे यहाँ जो लगातार शरणार्थी आ रहे थे बांग्लादेश से, त्रिपुरा में घुस रहे थे, आसाम में घुस रहे थे, बंगाल में घुस रहे थे, इन शरणार्थियों की समस्याएं ठीक से सुलझ जाए इसके लिए बांग्लादेश बनाया था। वो बांग्लादेश बनाने का जो मुक्ति संग्राम चला उसमें भारतीय सैनिकों ने बांग्लादेशी सेनाओं की मदद की थी और उसमें अमरीका ने पाकिस्तान की मदद की थी। समय जब पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ और भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आक्रमण का पूरी ताकत से जवाब दिया था, लाल बहादुर शास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब भी अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 और उस आक्रमण का कोई आधार नहीं था, और उस 1962 के चीन के आक्रमण में जब भारत पर आक्रमण करके चीन ने हमारे देश की 72,000 वर्ग मील
जमीन पर कब्जा कर लिया था, जो आज भी उनके कब्जे में है, कैलाश मानसरोवर जो हमारे देश का तीर्थ स्थान है, आज चीन के कब्जे में है, अगर वहां जाना पड़ता है तो चीन की सरकार से हमको वीजा लेना पड़ता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि अपने ही देश के एक बड़े तीर्थ स्थान में जाने के लिए मुझे चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है। ये 72,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन के कब्जे में है 1962 से। उस समय भी अमरीका ने चीन का समर्थन किया था, हमारा समर्थन नहीं किया। और उसके पहले 1948 के साल में 1947-48 में जब आजादी मिल रही थी, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से कवायलियों का जो आक्रमण हुआ था इस देश पर, तब भी अमेरिका ने समर्थन पाकिस्तान का ही किया था, भारत का नहीं किया। तो ये अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान समर्थक रहा, कोई आज की बात नहीं। और हमेशा से जो देश पाकिस्तान समर्थक रहा है, कल पाकिस्तान को फिर वो मदद दे सकता है। पाकिस्तान इसलिए सीटीबीपी पर हस्ताक्षर करे या ना करे, उनके लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार को अगर वो सीटीबीपी पर हस्ताक्षर कर दे तो भी अमेरिका से मदद मिलेगी, नहीं करेगा तो भी तो मिल तो रही है। अभी अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर जो आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं, उन आर्थिक पाबंदियों को अमरीकी सरकार वापस लेने जा रही है पाकिस्तान में गेहूं बेचने के लिए, क्योंकि वहां लोगों की भूख से मरने की घटनाएं शुरू हो गई। तो अमरीकी सरकार अभी आर्थिक पाबंदी हटा के गेहूं बेचेगी पाकिस्तान, हो सकता है कुछ दूसरे सामान भी पाकिस्तान में बेचे जाए। तो अमरीका तो पाकिस्तान की हमेशा से मदद करता रहा, कोई आज की बात नहीं है। किंतु ये पाकिस्तान की सरकार सीटीबीपी पर हस्ताक्षर करती है नहीं करती है, उससे भारत को कुछ लेना देना नहीं है। भारत को अपने हित की बात पहले सोचनी है, और अगर एक बार हम इसमें एंटर कर गए तो ये सीटीबीपी एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। गैट करार तो कम से कम एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको रद्द भी किया जा सकता है, जिसमें से भारत सरकार बाहर भी निकल सकती है। 6 महीने का नोटिस देकर हम गैट करार को रद्द करवा सकते हैं अपनी तरफ से, 6 महीने का नोटिस देकर हम गैट करार में से बाहर आ सकते हैं, लेकिन सीटीबी की संधि को जितना मैंने पढ़ा है और जाना है, उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक बार अंदर घुस गए तो हमारी पूरी की पूरी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी सरेंडर हो जाएगी और हम छोटे छोटे मामलों में बड़े देशों पर निर्भर हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा के मामले में भी बड़े देशों पर निर्भर हो जाएंगे। और आने वाला साल बहुत खतरनाक, आने वाले साल में कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। परिस्थितियां ऐसी बनती चली जा रही है पूरी दुनिया में कि कभी भी विश्व युद्ध हो सकता है। अमेरिका ने अभी अफगानिस्तान पर जो बम गिराए थे, सूडान पर जो बम गिराए थे, उन दोनों बम के गिराने के बाद सूडान और अमेरिका को, सूडान और अफगानिस्तान में इतनी तेजी के साथ अमेरिका के खिलाफ हवा पैदा हुई है कि कभी भी सूडान और अफगानिस्तान मिलकर अमेरिका पर आक्रमण कर सकते हैं। एक बिल लादेन नाम का आदमी जो बिलियनेयर करोड़पति है, अरबपति है, जिसके पास पेट्रो डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में है, उसने घोषित कर दिया है कि अब तो अमेरिका मेरा दुश्मन नंबर एक है और मैं बता दूंगा कि अमेरिका रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये देश कभी भी आक्रमण करेंगे, और गल्फ देशों में तो अमेरिका के खिलाफ बहुत पहले से माहौल है। जब से इराक के खिलाफ अमेरिका ने स्टैंड लिया और इराक पर बमबारी की थी अमरीकी सैनिकों ने, जिसमें 80,00,000 इराकी मारे गए थे, तब से इराक के खिलाफ है ही अमरीका के, ईरान के खिलाफ है अमरीका, ईरान और इराक दोनों अमरीका के खिलाफ है। बस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले और अमरीका को सबक सिखाना। ये दोनों देश इसलिए खिलाफ है अमरीका के कि अमरीका के कारण इन दोनों देशों को कुत्तों की तरह से लड़ना पड़ा था। अमेरिका ने इतना बड़ा धोखा दिया था ईरान और इराक को, वो धोखा क्या था? एक बार 1980-1989 के साल की बात में आपको बता रहा कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। तो वॉशिंगटन पोस्ट नाम के अखबार में 1989 के साल में एक खबर छप गई थी, और खबर ये थी कि ईरान और इराक के बीच में एक बहुत बड़ा इलाका है रेगिस्तानी, जिसका नाम है शत अल अरब। तो ये जो शत अल अरब का रेगिस्तानी इलाका है, उस रेगिस्तानी इलाके में भयंकर तेल छुपा हुआ है, ऐसी खबर छपी अमेरिका के अखबार में। अमेरिका के अखबार में ये जो खबर छप गई शत अल अरब के इलाके में भयंकर तेल छुपा हुआ है, तो उस खबर का प्रतिक्रिया क्या हुई? ईरान और इराक के अखबारों में भी ये खबर छपी कि वॉशिंगटन का अखबार कहता है कि यहां पर तेल छुपा हुआ है। तो वो जो इलाका है शत अल अरब का, वो दो देशों के बीच की बफर स्टेट है, और बफर स्टेट माने नो मैन्स लैंड, जहां पर कोई रहता नहीं और जहां पर कोई अपना क्लेम भी नहीं करता, वहां पर दो देशों की सीमा। नो मैन्स लैंड काफी बड़े पैमाने पर है। तो ईरान और इराक की सरकारों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि हम तेल निकालेंगे कि तुम तेल निकालो।
पहले शांति था वहां पे, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये खबर छपी तो तुरंत झगड़ा बढ़ गया और दोनों देशों ने कहा ये मेरा इलाका ये तेरा इलाका। फिर ये झगड़ा यूनाइटेड नेशंस में गया और यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीकी लोगों की मदद से ये तय करवा दिया गया कि इसका फैसला युद्ध लड़कर कर लो। तो अमरीका ने ईरान और इराक के बीच में लड़ाई छिड़वा दी, युद्ध करवा दी। अमरीका का स्वार्थ क्या था? अमरीका का स्वार्थ ये था कि ईरान और इराक जब आपस में लड़ेंगे तो उनके पास हथियार तो है नहीं, वो हथियार अमरीका से खरीदे, अमरीका को अपने हथियार बेचने, अमरीका को अपनी बंदूकें बेचनी, अमरीका को अपने हवाई जहाज बेचने, अमरीका को अपने बमबर्षक विमान बेचने। तो अमरीका को तमाम तरह के हथियार बेचने थे क्योंकि अमरीका दुनिया में हथियार बनाने वाला सबसे बड़ा देश है। आप आश्चर्य करेंगे कि अमेरिका की पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था है, उसका दो तिहाई हिस्सा हथियारों की बिक्री में लगा हुआ। माने अगर 100 रुपए का उत्पादन होता है अमेरिका में तो 75 रुपए का उत्पादन हथियारों का है, 25 रुपए का उत्पादन बाकी सामान का। तो दो तिहाई अर्थव्यवस्था, उनकी दो तिहाई से भी ज्यादा अर्थव्यवस्था हथियारों के उत्पादन में लगी हुई है। तो हथियार पैदा करता है अमेरिका, लेकिन हथियार बिकने भी तो चाहिए। तो हथियार कभी बिकते हैं? जब दुनिया में लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं। तो अमेरिका हमेशा से यह कोशिश करता रहता है कि दुनिया में समय समय पर युद्ध होते रहे ताकि उनके हथियार बिकते रहे। 1945 का जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो अमेरिका और यूरोप के देशों ने आपस में एक संधि कर ली थी और उस संधि का नाम है नो वॉर एक्ट। माने क्या है इसका? अमेरिका और यूरोप के देश कभी भी एक दूसरे पर युद्ध नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध यूरोप पर हुआ, यूरोप की जमीन पर हुआ, जिसमें फ्रांस बर्बाद हुआ, जर्मनी बर्बाद हुआ, बहुत सारे दूसरे देश बर्बाद हुए। तो इन देशों ने क्या संधि की कि हम आपस में कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो यूरोप के देशों ने आपस में संधि की, फ्रांस ने जर्मनी से की, जर्मनी ने फ्रांस से की, फिर फ्रांस ने स्पेन से की, स्पेन ने फ्रांस से की, और सब यूरोप के देशों ने आपस में मिलकर अमेरिका से संधि की कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे और अमेरिका भी हमसे कभी नहीं लड़ेगा, हम किसी पर हथियार नहीं फेंकेंगे, कोई हमारे ऊपर हथियार नहीं फेंकेगा। तो वहां के युद्ध होने की संभावना है क्योंकि संधि हो गई और 1945 से ये संधि बराबर बनी हुई है। तो अब युद्ध कहां हो सकते हैं? तो उन्होंने ढूंढ रखा है कि दुनिया के जो गरीब देश हैं इनमें युद्ध करो, क्योंकि यूरोप के देश अमरीका से नहीं लड़ेंगे, अमरीका यूरोप से नहीं लड़ेगा, तो आपस में तो ये युद्ध होंगे नहीं और कभी हथियार बिकेंगे नहीं, इसलिए दुनिया के गरीब देशों में युद्ध करवाओ। तो अमरीका दुनिया के गरीब देशों में युद्ध करवाता रहता और वो युद्ध उसने करवाया ईरान इराक के बीच में, किस तरह से तेल की होने की खबर छपाकर। और बाद में दोनों देशों ने यह फैसला किया कि अभी इस तेल को निकालना है तो कौन इसका मालिक होगा, इस पर लड़ाई हुई। तो लड़ाई जब शुरू हो गई ईरान और इराक में तो अमेरिका की कंपनियों ने इराक को भी हथियार भेजे, ईरान को भी हथियार भेजे। लड़ रहे थे दो देश, कुत्ते की तरह से हथियार बिक रहे थे अमेरिका, और 10 साल तक दोनों देश लड़ते रहे और 10 साल में लड़ने के बाद हथियार खत्म हो गए, हथियारों के गोदाम खाली हो गए, गोदामों में कुछ भी हथियार बचा नहीं, सब हथियार चल गए। तो अमेरिका ने फिर क्या कहा इन दोनों देशों से कि भाई अभी शांति कर। उस बैठक में चौधरी अमेरिका बन गया और दोनों देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सामने बिठाकर बोला कि अभी भाई लड़ते क्यों, आपको तेल ही चाहिए ना, तो शत अल अरब में जितना तेल निकलेगा उसका आधा ईरान ले लेगा, आधा इराक ले लेगा। आप देखिए अमेरिका कितना बेईमान और बदमाश देश है। यही बात पहले भी हो सकती है युद्ध होने के पहले कि जितना तेल निकलेगा आधा तुम ले लो, आधा तुम ले लो, लेकिन नहीं होने दिया। पहले युद्ध करवाया, 10 साल तक युद्ध चलवाया, उसके बाद हथियार बिकवाए, जब हथियार खत्म हो गए तब शांति की बात। और उसके बाद हो गया फैसला, फैसला ये हो गया कि ठीक है जितना तेल निकलेगा उसमें से आधा इराक लेगा, आधा ईरान लेगा। फिर परेशानी इस पर आई कि तेल निकालेगा कौन? तो अमेरिका ने कहा कि ठेका मुझको दे दो, मैं निकालता हूं। अमेरिकी कंपनी है उसका नाम है एक्सॉन, उसको ठेका मिल गया। अभी आप देखिए अमेरिका ने किस तरह से माने इन सबको मिसलीड किया, दोनों देशों को लड़वा दिया, हथियार दिए, फिर तेल निकालने का ठेका भी खुद ले लिया। अभी एक्सॉन कंपनी ने तेल निकालने का काम शुरू किया तो एग्रीमेंट ये कर लिया पहले ही कि हमको एडवांस में पैसा चाहिए तेल निकालने।
तो दोनों देशों के पास हो गया, दो साल हो गया। दो साल के बाद कंपनी ने कह दिया कि इस पूरे इलाके में कहीं भी तेल ही नहीं है। और तब दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने सिर पे हाथ पीटा और कहा कि कहां हम फंस गए। अमेरिका जैसे नालायक देश की चक्कर में फंसकर पूरा बर्बाद कर दिया। और उस 10 साल के युद्ध में ईरान भी अमेरिका के खिलाफ है, इराक भी अमेरिका के। और अभी जब गल्फ वॉर हुआ था दोबारा से 1990 में, जब इराक के ऊपर आक्रमण किया था अमेरिका ने और 28 देशों ने मिलकर 80 लाख इराकी उसमें मारे गए। अमेरिका ने इराक के स्कूलों पर बम गिराए, अमेरिका ने इराक के हॉस्पिटल्स पे बम गिराए, अमेरिका ने इराक के मस्जिदों पर बम गिराए। जबकि ये तीनों ही स्थानों पर बम नहीं गिराए जाते। जब भी युद्ध होता है तो अंतरराष्ट्रीय कानून है कि स्कूलों पे बम नहीं गिराया जाएगा, हॉस्पिटल्स पे बम नहीं गिराए जाएंगे और धार्मिक स्थानों पर बम नहीं गिराएंगे। लेकिन अमरीकी सैनिकों ने गिराए और 80 लाख इराकी मर गए। तब से इराक में भयंकर अमरीका का विरोध है और इराक के राष्ट्रपति भी बहुत अमरीका विरोधी है। तो अभी हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये सब के सब गल्फ देश शायद एक ना हो जाए अगले साल तक। और अगर ये एक हुए तो हो सकता है ये जमकर आक्रमण करेंगे और तब कोई विश्व युद्ध हो सकता है और ऐसी स्थिति में अपने देश की सुरक्षा का सवाल आएगा। और तब हमको अफसोस होगा इस बात पर कि क्यों हमने सीटीबीटी पर साइन किया। अगले एक डेढ़ साल के बाद ऐसी कर रहे हैं, मैं कोई प्रोफेसी नहीं कर रहा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं। जो आर्थिक राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई है पूरी दुनिया में उनको ध्यान में रखते हुए मैं ये बता रहा हूँ कि हो सकता है मई 1999 के बाद युद्ध ना शुरू हो जाए। उसके कारण क्या है? एक तो कारण ये है कि ये गल्फ देशों ने एक होना शुरू कर दिया। जिस दिन सूडान, अफगानिस्तान और लीबिया और उनका एक देश है सऊदी अरब, सऊदी अरब में इस समय अमरीकी सैनिक पड़े हुए हैं। जिस दिन सऊदी अरब की सरकार ने फैसला किया कि हम अमरीकी सैनिकों को अपनी जमीन पर नहीं रहने देंगे, उसी दिन युद्ध शुरू हो सकता है। बस देर अब इसी बात की है कि सऊदी अरब से जिस दिन अमरीकी सैनिक हटना शुरू होंगे उसी दिन से युद्ध शुरू हो सकता है। और वैसी युद्ध की परिस्थिति में अपने देश की सुरक्षा का सवाल सबसे महत्वपूर्ण होगा और तब शायद हमको अफसोस होगा कि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों किया। और इस युद्ध के एक दूसरे कारण और है कि एक तो यह गल्फ देशों में एकता हो रही है, दूसरी तरफ जनवरी 1999 के बाद यूरो डॉलर नाम की एक करेंसी आ रही है अंतरराष्ट्रीय बाजार। यूरोप के 12 देश एक हो गए, उन्होंने कॉमन यूरोपियन मार्केट बनाया। फिर कॉमन यूरोपियन मार्केट के बाद उन्होंने एक करेंसी बनाई, सब देश एक ही करेंसी चलाएंगे। फ्रांस की करेंसी खत्म हो जाएगी, ब्रिटेन की खत्म, जर्मनी की करेंसी खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन अभी उसमें शामिल नहीं है, फ्रांस है, जर्मनी है, हॉलैंड है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, ये सभी देश एक हो रहे हैं, अपनी अपनी करेंसी खत्म करेंगे और एक ही करेंसी चलेगी पूरी दुनिया में, यूरो डॉलर। तो यूरो डॉलर जनवरी में आ जाएगा 1999 और मई 1999 तक उसकी कीमत तय की जाएगी। और जब कीमत तय होगी तो डॉलर की तुलना में यूरो डॉलर आ जाएगा, माने दुनिया में दो हार्ड करेंसी आएगी, एक तो डॉलर अभी है फिर यूरो डॉलर आ जाएगा। और यूरो डॉलर का दाम निश्चित रूप से डॉलर से महंगा होगा, माने यूरो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा। क्यों होगा? पिछले 50 साल तो अमरीकी सरकार ने इसको कैसे मेंटेन किया हुआ है, अमरीकी सरकार ने इन्फ्लेशन किया हुआ है, इसलिए डॉलर को उन्होंने मेंटेन करके रखा। और अभी इस समय चूंकि डॉलर की तुलना में कोई दूसरी बड़ी करेंसी दिखाई नहीं देती सारी दुनिया में और अमेरिका ही एक चौधरी दिखाई देता है पूरी दुनिया में, जनवरी 1999 में तो यूरो डॉलर आ जाएगा, तो यूरो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा और डॉलर की कीमत गिरना शुरू होगी, यूरो डॉलर तेजी से आगे बढ़ेगा। यूरो डॉलर इसलिए भी मजबूत होगा क्योंकि नई नई करेंसी जब शुरू होती है दुनिया में तो उस नई करेंसी की कीमत सबसे ज्यादा होती है जब भी नई करेंसी शुरू होती है, तो यूरो डॉलर डॉलर कमजोर होगा तो अमेरिका का फिर संकट बढ़ेगा और हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमी कॉलेप्स कर जाए। और वो संकट कैसा होगा? जैसे ही डॉलर की कीमत गिरना शुरू होगी अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरेगा और अमेरिकन स्टॉक मार्केट अगर गिरना शुरू हुआ तो अमेरिकन कंपनियां दिवालिया होंगी जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रखा, और अमेरिकन कंपनियां दिवालिया होंगी, बैंकरप्ट होंगी, उसके साथ साथ अमेरिका की बैंकें भी बैंकरप्ट होंगी, अमेरिका की बैंकें भी दिवालिया होंगी क्योंकि अमेरिकी बैंकों का काफी पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ, तो एक साथ बहुत सारी अमेरिकी बैंकें और अमेरिकी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी, इंसॉल्वेंट हो जाएंगी, भिखारी हो जाएंगी। और ऐसी
स्थिति में अमेरिका और बौखलाएगा और इधर ये गल्फ देशों में एकता होना शुरू हो जाएगी और तब ये मिलकर कहीं अटैक कर सकते हैं और हो सकता है कि युद्ध शुरू हो इसी गल्फ में कहीं किसी स्थान से। हो सकता है इजराइल युद्ध भूमि बने आपकी बात। पिछली बार फ्रांस बना था युद्ध भूमि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, थर्ड वर्ल्ड वॉर में हो सकता है इजराइल युद्ध भूमि बने और हो सकता है लाखों लाखों लोग उसमें मारे जाएं। और वैसी परिस्थिति में हमको हमारे देश की सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, इस दृष्टि से विचार करना। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना है। सीटीबीटी जैसी संधि पर हस्ताक्षर करना भारत की राजनीतिक संप्रभुता को गिरवी रखना है और ये काम नहीं होना चाहिए। हमको समीक्षा भी कर लेनी चाहिए कि किस तरह के दबाव में इस समय हम फंस गए हैं। आप सोचिए जरा से दबाव आए हैं उसी में सरकारों ने सरेंडर कर दिया, इससे ज्यादा दबाव अगर आगे तो फिर क्या होगा। और मुझे दिखाई दे रहा है कि किस तरह से भारत के राजाओं ने अंग्रेजों के सामने सरेंडर किया होगा, ऐसे ही हुआ होगा। आज के राजा जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं अमेरिका के सामने, ऐसे ही भारत के पुराने जमाने के राजाओं ने सरेंडर किया होगा अंग्रेजों। तो शायद अपना इतिहास फिर दोहरा रहा है अपने आप। और मुझे ऐसा लगता दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक गंभीर बात कहते रहे और वो बात सच होते हुए दिखाई दे रही है कि जिस देश की जनता सो जाती है और जिस देश में प्रभुत्व वर्ग सिर्फ अपने स्वार्थ में डूब जाता है उस देश का इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है। तो शायद भारत का इतिहास अपने आप को दोहराने की स्थिति में है। ऐसी परिस्थिति में आपको गंभीरता से सोचिए। और हमारे देश की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है इस दृष्टि से कि हमारे ऊपर पिछले 1000 साल में बहुत आक्रमण हुए। आजादी के बाद तो मैंने बताया 4 आक्रमण हुए, 3 तो प्रत्यक्ष रूप से हुए, 1 परोक्ष रूप से हुआ। 1972 का आक्रमण परोक्ष आक्रमण था, लेकिन 1965 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था, 1962 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण था, 1943-48 का आक्रमण, फिर 1949 का आक्रमण भारत के ऊपर सीधा आक्रमण। तो आजादी के बाद 4 आक्रमण हुए और आजादी के पहले 1000 से ज्यादा आक्रमण हमारे देश पर हुए। पिछले 1500-2000 साल के इतिहास में हमारे देश के ऊपर 1000 से ज्यादा आक्रमण हो चुके हैं। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था जिसको मैं पहला आक्रमण मानता हूं, परदेशी आक्रमण। और 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, लगातार कुछ ना कुछ परदेशी आक्रमण होते ही रहे। और 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुए इस देश के ऊपर, और 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक तो आक्रमणों की लाइन लग गई थी। भयंकर परदेशी आक्रमण इस देश पर हुए हैं 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच। और 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं और 16वीं शताब्दी के शुरुआत में तो 2 तरफ से एक साथ आक्रमण हुए। एक तो मुस्लिम आक्रमण था हमारे देश पर चढ़े, दूसरी तरफ से पुर्तगाली घुसे हमारे देश में। वास्को डी गामा आया, वो आक्रमण ही करने के लिए आया, भारत की खोज करने नहीं आया। ये बहुत गलत बात है जो भारत के इतिहास में पढ़ाई जाती है कि वास्को डी गामा भारत की खोज करने के लिए आया। वो भारत की खोज कर कैसे करता? भारत तो वास्को डी गामा के 5000 साल पहले से है दुनिया। तो जो देश 5000 साल पहले से दुनिया में उपस्थित है उसकी खोज कैसे कर सकता है कोई? खोज तो उस बात की जाती है जो पहले थी वो कोई वस्तु। तो बहुत गलत बात भारत के इतिहास में पढ़ाते हैं कि वास्को डी गामा खोज करने आया था, लूटने आया, आक्रमण करने आया। और वास्को डी गामा ने आक्रमण किया था, उसके बाद पुर्तगाली आक्रमण इस देश के ऊपर हुए और उन आक्रमणों का नतीजा क्या निकला था? हमारे देश का गोवा 450 साल तक पुर्तगालियों का गुलाम हो गया। लेकिन अब अमरीकी सरकार कह रही है रूस को कि आप अपनी सुरक्षा संधि तोड़ो भारत से, इसका मतलब रूस भी भारत पर आक्रमण कर सकता या रूस की जमीन इस्तेमाल की जा सकती है भारत पर आक्रमण करने के लिए, अमेरिका उस जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे गारंटी से कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कोई परदेशी आक्रमण नहीं होगा? हम कैसे खुशफहमी में रह सकते हैं? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो मुझे इस देश का लगता है वो ये कि आजादी के बाद पिछले 50 साल में हम हमारे देश के लिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति नहीं बना पाए। पिछले आजादी के पहले जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, या उसके पहले भी जो परदेशी आक्रमण हुए हमारे देश के ऊपर, 1000 साल लगातार हमारा समाज
देखता रहा परदेशी आक्रमणों को, लेकिन इस देश में उन हजार साल के परदेशी आक्रमणों के बाद भी कोई सबक नहीं सीखा इस देश की सरकारों ने, और कोई ऐसी ठोस योजना नहीं बना पाई आज तक कि कल को फिर परदेशी आक्रमण हो जाए तो देश की क्या स्थिति हो, कैसे झेलेंगे हम उसे। क्योंकि 1949 में जो हुआ था तमाशा, 1947-48 में जब भारत विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तुरंत करके पाकिस्तान की तरफ से जो आक्रमण हुआ तो पाकिस्तानी कबाइलियों ने लगातार कश्मीर को घेरना शुरू किया, और कश्मीर को घेरते गए पूरा कश्मीर उनके कंट्रोल में चला गया, फिर जम्मू की तरफ पड़े, जम्मू से मुश्किल से 13 किलोमीटर दूर रह गई थी पाकिस्तानी सेना, तब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सेनाओं का जवाब दिया था। तब तक क्या कर रहे थे, राजा हरि सिंह से बातचीत चल रही थी। राजा हरि सिंह तैयार नहीं था कश्मीर को भारत में विलय कराने के, और भारत सरकार कहती थी कि जब तक तुम नहीं करोगे तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उस समय अगर राजा हरि सिंह को एक बाजू में रखकर पाकिस्तानी सैनिकों को भगा दिया जाता तो आज ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की समस्या है ये हमारे गले की समस्या नहीं बनती। हमारे ही देश का इलाका है जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, हमारे ही देश के हैं 3 डिवीजन पूरे के पूरे जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में। ये इसी कारण से हुआ कि लगातार देरी की गई और पाकिस्तानी सेनाओं ने एक बड़े इलाके पर कंट्रोल कर लिया। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने जो पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे खदेड़ा तो ज्यादा दूर तक खदेड़ नहीं पाए, तुरंत समझौता हो गया, और समझौता क्या हुआ, जहां पर भारतीय सैनिक है वो जमीन भारत की, जहां पर पाकिस्तानी सैनिक है वो जमीन पाकिस्तान की। ऐसे लोगों को समझौते करते रहे हमारे लिए, तो उसमें नतीजा क्या निकला कि हमारे देश के 3 डिवीजन पाकिस्तान के कब्जे में चले, जो आज भी हमारे लिए सिरदर्द पैदा किए हुए, और ये कश्मीर की समस्या वहीं से पैदा हुई। ना तो वो हमारे 3 डिवीजन जाते पाकिस्तान के कंट्रोल में, ना तो आज ये समस्या होती कश्मीर, और ये समस्या पता नहीं कितने दिन और चलेगी, कितने लाख लोगों के बलिदान ले लेगी, कितने लाख लोगों को अपने घर उजड़वाने पड़ेंगे, कितने लाख लोगों को वहां से भागना पड़ेगा, उसका कुछ अंदाजा नहीं किया उस समय के नेताओं ने, और इतना कुछ बन गए। फिर उसके बाद दोबारा गलती, दोबारा क्या गलती हुई, 1962 में पंडित नेहरू ने नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई, जो चीन कभी भाई हो नहीं सकता उसको भाई बना दिया, और चीन गए पंडित नेहरू राखी बनवाने के लिए, क्योंकि भाई था ना, तो राखी बनवाने गए चीन, और राखी बनवा के जब पंडित नेहरू लौटे वापस तो चीन ने आक्रमण कर दिया। इतने बड़े धोखे में रह गए पंडित नेहरू, और इतने बड़े धोखे में रखा पूरे भारत को कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन चढ़ गया था हमारे, जिसको आज आप अरुणाचल प्रदेश कहते हैं उसको उस जमाने में नेपा कहते थे, नेपा प्रदेश, तो चीन घुस गया नेपा और भयंकर आक्रमण किया चीनी सैनिकों ने, पंडित नेहरू तैयार नहीं थे उसके, भारतीय सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, भारतीय सैनिक सीमा छोड़ कर और चीन के सैनिक उसके चले गए। उसके बाद क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश की बहनों के साथ चीन के सैनिकों ने जिस तरह से बलात्कार किए, जिस तरह से उनकी हत्याएं की, तो अरुणाचल के नौजवानों का खून खौलने लगा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, भारतीय सैनिक मदद के लिए थे नहीं, क्योंकि भारतीय सैनिकों को वहां से भगा दिया गया, वापस बुला लिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश के भाइयों ने लाठी से, डंडे से, जो भी उनसे बन पड़ा, चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, और उसमें हजारों सैनिक मारे गए अरुणाचल प्रदेश के बेकसूर मां, उनका दर्द आज भी उनके दिल में है, और आप जाइए उनसे बात करिए तो वो पूछते हैं कि हमको भारत ने दिया क्या, जब हमारे ऊपर चीन का आक्रमण हुआ था तो आपके सैनिक तो कभी आए नहीं हमारे बचाव के लिए, हमको तो खुद झेलना पड़ा चीनी आक्रमण, और उसमें नतीजा क्या हुआ, नतीजा यह हुआ कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 72,000 वर्ग मील जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, जो आज भी उनके पहले नुकसान उठाया 1948-49 में, फिर नुकसान उठाया 1900, और फिर 1965 में नुकसान उठाया। 1965 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने आक्रमण किया, उस समय थोड़ी गनीमत यह थी कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री, उन्होंने पूरी ताकत से पाकिस्तानी आक्रमण का जवाब दिया, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे तक खदेड़ दिया, तब अमरीका बीच में आया और अमरीका ने दबाव डाला, और अमरीका ने जो दबाव डाला वो इस बात का कि पाकिस्तान के साथ संधि करो, माने भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया था बहुत पीछे, लाहौर और रावलपिंडी
सदी तक भारतीय सैनिकों का कंट्रोल स्थापित हुआ, लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर लाल बहादुर शास्त्री को समझौता करना, लाल बहादुर शास्त्री नहीं चाहते थे वो समझौता। एक बार तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीकी दबाव को एक किनारे लगा दिया। अमेरिका ने धमकी क्या दी कि उस समय अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश पीएल पोनेटी के नाम। जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे कि अमेरिका से जो लाल रंग का गेहूं आता था 1965 के साल में, उसको अमेरिका में जानवर भी नहीं खाते, उसको भारत को भेजा जाता। तो लाल बहादुर शास्त्री ने अमरीकी धमकी के सामने झुकने से मना कर दिया। तो अमरीका ने क्या कहा कि हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। शास्त्री जी ने कहा बंद करो, हमें आपका गेहूं चाहिए। तो फिर अमरीका की धमकी आई कि आपके लोग भूखे मर जाएंगे। शास्त्री जी ने कहा हम भूखे मरेंगे, लेकिन हमको अपमानजनक शर्तों पर यह संधि मंजूर नहीं है। और शास्त्री जी ने हिम्मत दिखाई, पीएल पोरेट्टी का गेहूं खरीदना बंद कर, फिर देश में गेहूं की बड़ी कमी आ गई। तो शास्त्री जी ने देश के लोगों से अपील की कि हमें इस समय भोजन करना बंद कर। और देश के करोड़ों लोगों ने शास्त्री जी की बात का जवाब दिया, करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया, आज भी रहते हैं। कोई भी नेता जनता से जब भी कोई कुर्बानी मांगता है तो जनता कभी पीछे नहीं हटती। सवाल नेताओं की इंटीग्रिटी का है। जनता इस देश में बहुत मजबूत है, जनता कभी सरेंडर नहीं करती। जनता ने भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन शास्त्री जी पर इस बात का किसी आदमी ने दबाव नहीं डाला कि आप अमरीका से गेहूं खरीदिए, हम भूखे नहीं रहेंगे। लोगों ने कहा हम भूखे रहेंगे, सम्मान के साथ हमको भूखा रहना मंजूर है, बजाय इसके कि हम अमरीका से गेहूं खरीदें और अपमानजनक शर्तों पर उसको हम खाएं। लेकिन दूसरी बात शास्त्री जी दबाव में आए, और फिर भारत के ही अंदर के नेता अमरीका समर्थन मन से गए ताशकंद समझौता करते हैं, और ऐसा समझौता हुआ कि वो वापस नहीं लौटे। सभी भी उस समझौते में चले गए। शास्त्री जी की डेड बॉडी लौटी थी ताशकंद, शास्त्री जी हमने इतनी बड़ी गलती की 1965 में कि एक तो देश का प्रधानमंत्री हुआ ना, बनियान रहती थी एक अंडर में रहता, ये कपड़े थे उनके, तो उन्होंने कहा मैं खुद धो लूंगा। फिर दूसरे अपने घर में कटौती कहते कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की बात देखी, उनके घर में एक भाई आती थी उनके कमरे में पोछा लगाने थी, उन्होंने कहा तुम भी कल से मांगा। तो उस भाई ने पूछा घर में झाड़ू कौन लगाएगा, उन्होंने कहा मैं मेरा कमरा साफ कर लूंगा, बाकी अपने बेटों को कहूंगा कि वो सब लड़की सफाई करें, क्योंकि मैं पैसा नहीं दे सकता, दूसरों से मैं कह रहा हूं तो पहले मुझे करना होगा। तीसरी घर की कटौती कहते कि उन्होंने उनके घर में एक ट्यूटर आता था जो उनके सबसे बड़े बेटे को अंग्रेजी पढ़ाता, उनका बेटा अंग्रेजी में फेल हो गया, तो एक बड़ा ट्यूटर आता था घर में पढ़ाने के लिए। तो शास्त्री जी ने कहा कि कल से तुम मत आना। तो उस ट्यूटर ने कहा कि आपका लड़का बहुत कमजोर है अंग्रेजी में, और वो पास नहीं होगा तो एक साल उसका बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा इस देश के लाखों करोड़ों बच्चे फेल हो जाते हैं, मेरा बेटा भी फेल हो जाएगा, कौन सी इसमें खास, मैं कोई विशेष आदमी तो नहीं, एक साधारण आदमी हूं मैं देश का, तो वो ट्यूटर भी हटा दिया। इस तरह से अपने खर्चों में कटौती की एक ऐसे व्यक्ति ने जो उस समय भारत का प्रधानमंत्री था, आज तो कोई नहीं दिखाई देता है। संकट की स्थिति को आज भी है देश, आर्थिक हालत तो बहुत खराब है देश, बताइए कब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने अपने खर्चे में कटौती करने की कोई बात कही। आज के नेताओं ने तो अपने खर्चे 3-3 गुने बढ़ा लिए, आपको मालूम है सभी नेताओं की पगारें 3-3 गुनी बढ़ गई। अभी पिछले एक महीने से प्रधानमंत्री की पगार 3 गुनी बढ़ गई, राष्ट्रपति की पगार 3 गुनी बढ़ गई, मुख्यमंत्रियों की पगारें 3 गुनी बढ़ गई, राज्यपालों की पगारें 3 गुनी बढ़ गई। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब, सरकार के पास पैसा नहीं, और प्रदेशों से आने वाली मदद भी रुकी हुई है क्योंकि आर्थिक पाबंदी है। वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता था कि ये सब नेता लाल बहादुर शास्त्री वाला उदाहरण पेश करेंगे कि पगारें नहीं लेंगे एक दो साल के लिए, देश की स्थिति जब तक सुधरेगी नहीं। लेकिन इन सब नेताओं ने तो अपनी पगारें 3-3 गुनी बढ़ाई। इसलिए मैंने कहा था कि शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे ना भूतो ना भविष्य, शायद ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है इस देश। और क्या हो गया था, युद्ध जब शुरू हो गया था तो एक दिन शास्त्री जी की पत्नी ललिता जी ने कहा, अभी नई धोती लाने के बारे में मैं कल्पना नहीं कर, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, पगार लेना भी बंद कर दिया है, तो पैसा तो है नहीं, मैं नई धोती लाऊंगा कहां, जितने कम से कम खर्चे में तुम घर का काम चला सको उतने की बात करो। तो उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से कि बोलो कितने कम से कम पैसे में घर का खर्च चल सकता, तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ 300 रुपए में चल जाएगा।
उन्होंने कहा ठीक है 275 रुपया कल से मैं दूंगा और कोशिश करो कि 25 रुपए की भी कटौती हो जाए। ऐसा प्रधानमंत्री का आदेश जिसको हमने खोया 1965 की शांति बात का, एक तो जमीन खोई इस देश की, दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री खोया, इतनी भयंकर गलतियां हुई इस देश। और फिर 1972 में एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मुझे ऐसा लगता है कि या तो श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश युद्ध में पैर फंसाना नहीं चाहिए, उनका आंतरिक मामला था वो सुलझा लेते, और अगर पैर फंसाया तो पूरी इज्जत के साथ बाहर आना चाहिए। जानते क्या हुआ? भारतीय सैनिक गए, पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया भारतीय सेना के सामने, और वो सब हमारे प्रिजनर थे, लेकिन उन सबको छोड़ दिया, सबके सब छोड़ दिए। और उन्हीं में से बहुत सारे सैनिक हैं जो आज ISI के एजेंट बनकर हमारे देश की नाक में दम किए। इतनी भयंकर गलती हुई थी 1972। तो ये गलतियां हर बार होती रही है इस देश में, और इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि कल कहीं फिर से कोई प्रदेश का आक्रमण हुआ इस देश के ऊपर, तो हमारी अपनी सुरक्षा व्यवस्था क्या है, हमारी सुरक्षा की नीति क्या है। और ऐसी परिस्थिति में जब PTBT को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक कदम है जो भारत सरकार उठाने जा रही है। इसलिए सारे देश के लोगों को पूरी ताकत लगाकर इसका विरोध करना चाहिए, और ये विरोध दो स्तर पर होना चाहिए। एक स्तर पर तो हम भारत सरकार पर दबाव बनाएंगे कि आप ये मत करो, और दूसरे स्तर पर अमरीका को ये पता चलना चाहिए कि भारत के लोग अमरीका समर्थक नहीं है, क्योंकि जिस अमेरिका ने हमको परेशान किया पिछले 5-6 महीने में, और जिस अमेरिका ने हमारे देश के नेताओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो सरेंडर करने की स्थिति में आ गए हैं, उस अमेरिका को पूरी ताकत के साथ सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका की स्थिति इस तरह के गुंडे की है जो पहले हाथ पकड़ता है, फिर बाहर तक पकड़ लेता है, फिर गर्दन पकड़ लेता है, और फिर गर्दन दबा भी लेता है। अमेरिका दोस्त नहीं हुआ किसी का, जापान का नहीं हुआ तो हमारा का। तो इस अमरीका के साथ दोस्ती बहुत महंगी पड़ी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अमरीका को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों सबक सिखाना जरूरी है? तर्क बिल्कुल सीधा है। अमरीकी सरकार ने भारत पर आर्थिक पाबंदी इसलिए लगाई कि हमारे वैज्ञानिकों ने 5 आणविक परीक्षण किए। तो मेरा यह मानना है कि अगर हमने सिर्फ 5 आणविक परीक्षण किए और अमरीका ने हमारे ऊपर आर्थिक पाबंदी लगाई, तो अमरीका ने तो अब तक 1,047 आणविक परीक्षण किए हैं, तो अमरीका को पाबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अमरीकी सरकार सिर्फ इसलिए भारत पर पाबंदी लगा सकती है कि हमने 5 आणविक परीक्षण किए, तो भारत में भी अमरीका के खिलाफ पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि अमरीका ने 1,047 आणविक परीक्षण किए, हमने सिर्फ 5 किए, उन्होंने 1,047। और इसलिए भी अमरीका पर पाबंदी होनी चाहिए कि हमने सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमरीका ने तो अणु बम बनाए, और कितने अणु बम है अमरीका के पास? 20,000। और इसलिए भी अमरीका पे आर्थिक पाबंदी होनी ही चाहिए कि हमने तो सिर्फ आणविक परीक्षण किए, अमरीका ने तो अणु बम भी गिराए, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे गिराया। जापान के ऊपर 2 आणविक बम गिराए थे अमरीका, और दोनों आणविक बम में लाखों जापानी मर गए। उसके बाद अमरीका ने बम गिराने का अभियान बंद नहीं किया, जापान के ऊपर बम गिरा के लाखों जापानियों को मारा। उसके बाद 1960 के दशक में उसी अमरीका ने वियतनाम के ऊपर बम गिराए और लाखों वियतनामी मर गए। फिर 1970 के दशक में अमरीका ने कोरिया के ऊपर बम गिराए और लाखों कोरियन मुस्लिम मर गए। फिर 1980 के दशक में मैंने आपको बताया इराक और इराक पर बम गिराए और लाखों ईरानी इराकी मरे। फिर 1990 के दशक में सिर्फ इराक पर बम गिराए और 80 लाख इराकी उसमें मरे। और अब अमरीका फिर बम गिरा रहा, एक दिन सूडान पे गिराया, एक दिन अफगानिस्तान पे गिराया, किसी दिन भारत पे भी गिराया, कोई भरोसा नहीं है अमरीका। इसलिए मेरी मान्यता यह है कि अगर अमरीकी सरकार पाबंदी लगा सकती है भारत पर आर्थिक रूप से, तो क्यों नहीं भारत सरकार कानून बनाए और अमरीका पर आर्थिक पाबंदी लगाए अपने देश। तो आप पूछेंगे इससे क्या होगा? अमरीका को 2 मिनट में हम सीधा कर देंगे। अमरीका की जो सबसे कमजोर नस है उसका नाम है डॉलर। अगर अमरीका में डॉलर जाना बंद हो जाए तो अमरीका 2 मिनट में सीधा हो जाए।
अमेरिका में एक ही व्यक्ति की एक ही चीज की पूजा होती है, वो है डॉलर। बाकी अमेरिका में किसी से कोई मतलब नहीं। जिस दिन अमेरिकी सरकार को डॉलर का नुकसान होना शुरू हो जाएगा भारत के कारण, उसी दिन अमेरिकी सरकार दो मिनट में सरेंडर कर देगी। अमेरिका कागजी शेर है, कोई बहुत दम नहीं है अमेरिका। चीन वाले अमेरिका से हमेशा सरेंडर करवा लेते हैं सिर्फ डॉलर के धमकी पर। चीन की सरकार कैसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से? चीन की सरकार ऐसे सरेंडर करवाती है अमेरिका से कि चीन से जो डॉलर अमेरिका जाता है उसको बंद कर देते, पाबंदी लगा देते। तो जब चीन से डॉलर जाना अमेरिका में बंद हो जाता, दो मिनट में अमरीकी राष्ट्रपति सीधा हो जाता है और चीन में दौड़कर जाता है समझौता करने। अभी आपको मालूम है बिल क्लिंटन गया था चीन थोड़े दिन पहले, 1000 लोगों को लेके गया था, ऐसे जैसे दूल्हे की बारात जाती है। चीन की सरकार ने एक कानून बना दिया है अभी कुछ दिन तक, जानू क्या कानून बना? अमरीका की तो कहते हैं ले आओ पैसा लगा दो हमारे देश में, लेके जाने की अनुमति। तो अमरीका ढीला हो गया। दूसरा कानून क्या बना दिया है चीन की सरकार ने कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी मुनाफा कमाएगी और चीन से अमेरिका ले जाने की कोशिश करेगी तो उसके लिए कानून ये है, मान लीजिए कोई अमेरिकी कंपनी ने $1 अरब का मुनाफा कमाया चीन से और वो $1 अरब का मुनाफा ले जाना चाहते हैं अपने देश में, तो कानून ये बना दिया है कि पहले आप चीन का $1 अरब का माल अमेरिका में बेच कर आइए, उससे $1 अरब कमा कर लाइए, फिर चीन से $1 अरब अमरीका में। और दौड़ दौड़ के रोज चीन जाता है उनसे समझौता करने और चीनी सरकार उनको घात नहीं डालती। पहले अमरीका ने कोशिश की कि चीन के राष्ट्रपति को अपने देश में बुला लिया जाए, उसने कहा मुझे जरूरत नहीं है आपके आने की, आपको जगमार के आना हो तो आइए। और यही बिल क्लिंटन जो चीन के बारे में कहता था कि ये दुनिया में सबसे अत्याचारी देश है, सबसे ज्यादा लोगों पर अत्याचार होते हैं, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, तिएनानमेन चौक पर एक बार वहां हत्याकांड हुआ था जिसमें चीन के नौजवान मारे गए थे, सबसे लेकर चीन को ब्लैकलिस्ट किया हुआ था अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, उसी बिल क्लिंटन को ले जाके खड़ा कर दिया चीनी सैनिकों ने तिएनानमेन चौक पर और कहा कि झुको और सलाम करो, और बिल क्लिंटन को सलाम ठोकना पड़ा। और उसके बाद बिल क्लिंटन ये सब करता गया, चीनी सरकार जो कहती गई वो करती गई, इस उम्मीद में कि शायद चीन की सरकार मेरे लिए एक बात मान लेगी, ये डॉलर आना शुरू हो जाएगा चीन से। और बाद में जब बिल क्लिंटन ने कहा कि अभी मैंने तो आपकी इतनी शर्तें मान ली है आप, और बहुत ही असफलता के साथ बिल क्लिंटन चीन से वापस लौटा, और इतनी खिंचाई हुई है बिल क्लिंटन की उनके पार्लियामेंट में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खुद बिल क्लिंटन जिस पार्टी का कैंडिडेट है उस पार्टी के एमपी ने बिल क्लिंटन की भयंकर आलोचना की कि आप चीन गए थे क्या लेता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है कि अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग करना अगर हम शुरू करें तो अमेरिका हमारे सामने भी सरेंडर करें। अगर हमने इसको अपने सिर पर चढ़ने दिया, इसकी गिरव भक्की में आकर हमने सरेंडर किया तो ये हमको खा जाएगा, और अगर इसकी धमकियों के सामने हमने सरेंडर करना बंद किया, उल्टा इसकी आर्म ट्विस्टिंग करना शुरू किया अमेरिका की, तो अमेरिका दो मिनट में नीचे आ जाए। तो आप पूछेंगे उसका रास्ता क्या? उसका बिल्कुल सीधा का रास्ता है, जो काम चीन की सरकार ने किया है वो काम हम कर रहे हैं। माने चीन में से डॉलर अगर अमेरिका नहीं जाएगा तो भारत का डॉलर भी अमेरिका नहीं जाएगा। काम कर सकती है तो भारत की सरकार भी ये काम कर सकती है, और इसके लिए बहुत अच्छा हो कि भारत सरकार कानून बनाए और पार्लियामेंट से कानून पारित करवाए और अमेरिका के खिलाफ आर्थिक पाबंदी लगाए। और जितनी अमेरिकी कंपनियां भारत में धंधा कर रही है इन सबको एक एक करके बंद कर दिया जाए। पेप्सिकोला, कोका कोला, कॉलगेट पामोलिव, जॉनसन एंड जॉनसन, डॉक्टर, एक तरफ से सब पर पाबंदी लगा दी जाए। और अमरीकी कंपनियों के साथ साथ अमरीकी बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एनजेड ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टेड, ये जितने अमरीकी बैंक भारत में धंधा कर रहे हैं इन सबके ऊपर एक तरफ से पाबंदी लगा दी। तो आप देखिए दो मिनट में अमरीका ढीला होगा। अमरीका को ढीला करने का यही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा। एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके बारे में बड़ों अमरीका को पीट दे, नहीं तो अमरीका हमको पीट दे। तो उसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता मैंने बताया बिल्कुल सीधा सीधा का है कि अमेरिका जाने वाला पैसा यहां से रोकना पड़ेगा,
एक पैसा भी भारत से अमेरिका जाए ये देश के हित में नहीं। और आज अमेरिका हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। दुश्मन के हाथ एक पैसा भी अपने गांव का जाए तो ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ द्रोह है। तो ये करना बंद कर। तो भारत की सरकार अगर करे तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार कुछ करे, क्योंकि 5 महीने से तो मैं इंतजार कर रहा हूं। जब से अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, मैं एक एक दिन गिन रहा हूं कब भारत की सरकार अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाती है। और मैंने ये बात मई के महीने में ही प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राजीव भाई आप अभी मिले थे, मई के महीने में ही इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से ड्राफ्ट बनाकर मैंने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दिया कि आप ऐसे ऐसे पाबंदी लगाइए अमरीकी कंपनियों पर, अमरीकी बैंकों पर, भारत का इतना भला हो जाएगा। और मैंने तो उसमें यह कैलकुलेशन किया, अमरीका ने आर्थिक पाबंदी लगाई हमारे ऊपर और वहां से $2 अरब आना बंद हो गया भारत में, $200 करोड़ आना बंद हो गया भारत में, तो अगर हम अमेरिका के सिटी बैंक पर पाबंदी लगा दें, पेप्सी कोला पर पाबंदी लगा दें, कोका कोला पर पाबंदी लगा दें, उनकी दूसरी थॉमसन नाम की कंपनी पर लगा दें, एलजी नाम की कंपनी पर लगा दें, तमाम अमरीकी कंपनियां हैं जिन पर हम पाबंदी लगा दें, तो देश का तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हमारा $1000 करोड़ हर साल अमरीका जाने से बच जाएगा। वहां से सिर्फ $200 करोड़ नहीं आएगा और यहां से $1000 करोड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं, और मुझे अफसोस है, ये बहुत ही गंभीर अफसोस है मुझे। आप पूछेंगे क्या इस सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक जमाने में कोका कोला को भारत से भगाया था 1977 में। 1977 में श्री मुरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उसी सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री बने और उसी सरकार में लाल कृष्ण अडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। और 1977 की उस सरकार ने 24 घंटे में अमरीकी कंपनी कोका कोला को भारत से भगा दिया, सिर्फ 24 घंटे लगे। और कोका कोला को नोटिस दिया गया था कि या तो 24 घंटे में आप भारत छोड़ोगे नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे, और कोका कोला भाग गया। कुछ दम नहीं है इन परदेशी कंपनी, एक झटके में कोका कोला भाग गया। और कोका कोला भागा उसके पीछे IBM भागा, एक अमरीकी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है, वो भागी यहां। फिर IBM के पीछे पीछे ICL भागा, इंटरनेशनल कंप्यूटर लिमिटेड, ये भी अमरीका की कंपनी है। तो कोका कोला भागा, IBM भागा, ICL भागा, और एक एक करके सब अमरीकी कंपनियां भागने वाली थी, लेकिन वो सरकार गिर गई, तो इसलिए वो काम अधूरा छोड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिन सरकारों ने कोका कोला को भगाया, जिन मंत्रियों ने कोका कोला को भगाया, जब वो दोबारा से मंत्री बन जाएंगे इस देश में तो 24 घंटे में कोका कोला को भगाएंगे, पेप्सी कोला को भगाएंगे, लेकिन 5 महीना हो गया है इंतजार करते करते, ना तो कोका कोला को भगाया ना पेप्सी कोला को भगाया। तकलीफ मुझको ये है कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे आज प्रधानमंत्री, जो जॉर्ज फर्नांडिस पहले उद्योग मंत्री थे आज रक्षा मंत्री, जो लाल कृष्ण अडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे आज गृह मंत्री हैं, माने तीनों का ही प्रमोशन हुआ और तीनों की ही ताकत पहले से ज्यादा। अटल जी तो सीधे प्रधानमंत्री है ना, और जॉर्ज फर्नांडिस तो रक्षा मंत्री है ना, और लाल कृष्ण अडवाणी तो गृह मंत्री है, ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है, फिर वित्त मंत्री होता है, तो 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों वो लोग हैं जिन्होंने कोका कोला भगाया। और आज उन्हीं के जमाने में गांव गांव में सबसे ज्यादा कोका कोला बिक रहा है, सबसे ज्यादा अफसोस की बात है। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैं एक ही नतीजा निकालना चाहता हूं कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्र कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर आदर्शों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है, उसका ये सबसे नंगा उदाहरण है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये सरकार करेगी, तो फिर आप पूछेंगे किससे उम्मीद है? मुझे आप लोगों से उम्मीद है। तो बंदा समझौता कर सकते हैं, अब ये देश में बिल्कुल खुला हो गया, कोई पार्टी समझौता करने में किसी से पीछे नहीं है।
और कोई पार्टी कीचड़ और दलदल में गिरने में किसी से पीछे नहीं। हर पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है कि तू ज्यादा गिरा कि मैं ज्यादा गिरा। और अब इस देश में मैं मानता नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी है। हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते, तीन तीन गुना। इस साल तो इनको ये सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है कि हम हिंदुस्तान में दो तीन साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है। इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस साल गरीबी और तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भारत के कारखाने बंद हो गए हैं, 2,62,000 कारखाने इस देश के बंद हो गए हैं, 8 करोड़ मजदूर इस देश के बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 8 साल में जो उदारीकरण की नीतियां भारत में चल रही है, उन उदारीकरण की नीतियों का ये नुकसान हुआ है पूरे के पूरे देश को। तो मुझे ऐसा लगता था कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कम से कम हिसाब करेंगे कि पगार नहीं देंगे इसका, क्योंकि मैंने सुना और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के नेता इस समय पगार नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना पगार के काम कर रहा, बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं, जितने खासदार हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जब से आर्थिक पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई है। तो पाकिस्तान सभी खासदार बने हुए। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के नेता अगर इतने राष्ट्रवादी हैं तो भारत के नेता तो इससे कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी। लेकिन हमारे नेताओं ने तो सिद्ध ये किया कि उन्होंने पगारें 3 गुनी बढ़ाई। इनके राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पाखंड है, इससे ज्यादा पाखंड कुछ हो नहीं सकता है इसमें राष्ट्रवाद। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब सत्तावादी, कुर्सीवादी, स्वार्थवादी। इसलिए अब इन पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टियों पर भरोसा करते करते ही इतना बड़ा सत्यानाश होने झेला है देश। नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। ये नेता कब क्या पलटी खाएंगे, जिंदगी भर इन सिद्धांतों का विरोध करते रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभी उन्हीं सिद्धांतों का सरेंडर करने जा रहा है, ये कैसे मैं स्वीकार करूंगा। जितने भाषण मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सुने हैं, हर भाषण में यही वो कहते थे कि राष्ट्र की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होता। राष्ट्र की संप्रभुता एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं होता, कोई सरेंडर नहीं होता। अभी वो खुद वही कर देता तो कैसे मानूं। तब ऐसा लगता है कि सब के सब को धृतराष्ट्र की आत्मा ने ले लिया। धृतराष्ट्र अंधा था। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहते थे जानते हैं? वो इसलिए अंधा नहीं कहते थे कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो सत्ता की उसकी आंखें नहीं थी। वो अंधा इसलिए कहते थे कि सत्ता मोह में, पुत्र मोह में वो अंधा। और सत्ता हाथ से ना चली जाए इसके लिए धृतराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था। चाहे जितना अधर्म करना पड़े, चाहे जितना कुकर्म करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, सत्ता मेरे बेटों के हाथ से नहीं जानी चाहिए, सत्ता मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसी के लिए धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण ने अंधा किया कि तुम स्वार्थ में अंधे। और आज के नेताओं के बारे में तो मैं यही कहता हूं कि धृतराष्ट्र को बिना आंखों के अंधा, वो पुत्र बहु में अंधा। इन लोगों को कौन सा पुत्र हो? पूछिए ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, आपको कौन सा पुत्र हो? और धृतराष्ट्र आंखें नहीं होने के कारण अंधा था, ये तो सब आंखें होते हुए अंधे। इसलिए अब इन पर भरोसा करना छोड़िए, पार्टियों पर भरोसा करना छोड़िए, अभी तो अपने ऊपर भरोसा करें। तो आप पूछेंगे दूसरा कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, थोड़ा तकलीफ वाला है, लेकिन अब वही रास्ता, और कोई रास्ता नहीं। जब सरकारें देश विरोधी काम करना शुरू कर दें, राष्ट्र विरोधी काम करना शुरू कर दें, सरकारें सिर्फ स्वार्थ और सत्ता में डूबकर काम करना शुरू कर दें, तो राष्ट्र के लोगों को उठना ही होगा और खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे हम क्या करें? सरकार पाबंदी नहीं लगाती अमरीका पर और सरकार नहीं बंद करती अमरीकी कंपनियों को, तो कम से कम आप तो पाबंदी लगा दीजिए अमरीकी कंपनियों, आप तो बंद कर दीजिए अमरीकी कंपनियों का सामान खरीदना। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ना, इसके लिए तो प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में अमरीकी का होना ही चाहिए कि कोई भी अमरीकी सामान आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि अमरीका हमारा
और हिंदी का हमारा दुश्मन है और इस तरह का दुश्मन है कि भारत को बर्बाद करने की कोई भी कोशिश वो छूटना नहीं चाहता। बिल क्लिंटन ने इस बात को दो बार कहा, इसकी गंभीरता को सोचते रहिए। बिल क्लिंटन ने कहा कि सोवियत संघ को खत्म करने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर एक पर, इसलिए भारत को खत्म करना अभी अमरीका का सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि भारत अमरीका को टक्कर दे सकता है। अमरीका को डर लग रहा है, क्या डर लग रहा? भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमरीकी मदद के परमाणु परीक्षण किए, भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमरीकी मदद के मिसाइलें बनाई 250 किलोमीटर से लेकर 2,500 किलोमीटर तक मार करने वाले, भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमरीकी मदद के सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000, भारत के वैज्ञानिकों ने बिना अमरीकी मदद के क्रायोजेनिक इंजन बनाया, भारत के वैज्ञानिक बिना अमरीकी मदद के ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके बारे में अमरीका बौखला रहा है। अमरीका की बौखलाहट उस दिन से समझ में आ रही है जिस दिन से भारत के वैज्ञानिकों ने परम 10,000 बनाया, क्योंकि एक बार राजीव गांधी गए थे अमरीका में सुपर कंप्यूटर मांगने, अमरीका ने मना कर दिया कि हम नहीं जाते सुपर कंप्यूटर। राजीव गांधी लौट के लौट कर आने के बाद भारत के वैज्ञानिकों की एक मीटिंग हुई और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है डॉक्टर भाटकर। तो डॉक्टर भाटकर को कहा गया कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप भारत में सुपर कंप्यूटर बनाए, अमरीका हमको नहीं देगा, कोई भी देश हमको नहीं देगा, हमको खुद बनाना पड़ेगा। तो डॉक्टर भाटकर को कुछ और वैज्ञानिक दिए गए और पूरी टीम ने सीडेक नाम की एक संस्था बनाई, रात दिन काम करना शुरू किया और काम करते करते पहला सुपर कंप्यूटर बनाया परम बिना किसी परदेशी मदद, दूसरा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8,000, तीसरा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 8,600, चौथा सुपर कंप्यूटर बनाया परम 9,000 और अभी पांचवा सुपर कंप्यूटर बना दिया है परम 10,000 जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। परम 10,000 नाम का सुपर कंप्यूटर पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे पास है। इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर ना अमरीका में है ना जापान में, और मैं परम 10,000 पे देख चुका हूँ काम करके। मैं पूरा एक दिन अभी कुछ दिन पहले मैं परम 10,000 सुपर कंप्यूटर के साथ ही रहा, इस बात का अंदाजा करने के लिए कि इसके स्पीड कितने हैं, कैलकुलेशन कितने फास्ट हैं। परम 10,000 का कैलकुलेशन कितना फास्ट है आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमेरिका का जो बेस्ट क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर है वो जितनी सेकंड्स में कैलकुलेशन करता है, हमारा परम 10,000 उससे 10 गुना कम समय में कैलकुलेशन करता है। माने इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि परम 10,000 अमरीकी सुपर कंप्यूटरों से 10 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है और खर्चा कितना आया, सिर्फ 167 करोड़। अमरीका में इस लेवल का सुपर कंप्यूटर बनाने में अरबों डॉलर खर्च होता, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होता, भारत के वैज्ञानिकों ने एक एक पाई बचाते हुए, कष्ट में रहते हुए, कष्ट में जीवन बिताते हुए सिर्फ 167 करोड़ रुपए में एक सुपर कंप्यूटर बना दिया, जिसके मदद से हम हिंदुस्तान की किसी भी स्तर की हवा से हवा में मार करने वाली, जमीन से हवा में मार करने वाली, पानी से हवा में मार करने वाली किसी भी मिसाइल का डिजाइन बना सकते, कोई भी बमवर्षक विमान का डिजाइन सुपर कंप्यूटर परम 10,000 पे बना सकते। कुछ भी बात हमें पता करनी हो, माने आप जान लीजिए कि वो सारी दुनिया की सूचनाएं हमको दे सकता है, अगर बैठे हमको पता करना हो कि हिंदुस्तान के किस गांव में कितना सोना है जमीन के नीचे वो बता देगा, हमको पता करना हो कि हमारे तेल के कुएं जो है उनमें कितना तेल और बाकी है वो बता देगा, हिंदुस्तान में कितना कोयला छुपा हुआ है जमीन के नीचे वो बता देगा। कोई भी एक ऐसी जानकारी नहीं है जो वो हमको ना बता सके। इस क्वालिटी का सुपर कंप्यूटर हमारे पास है और अमरीका उसी दिन से बौखलाया था। और अमरीका की बौखलाहट क्या है, उसकी बौखलाहट यह है कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये जो परम 10,000 सुपर कंप्यूटर बना लिया, ताकि जो आईबीएम कंपनी सुपर कंप्यूटर बना रही है उसके कई गुना ज्यादा अच्छा हमारा सुपर कंप्यूटर है, सस्ता भी बहुत है, इसलिए अमरीका बौखलाया है। और अमरीका इसलिए भी बौखलाया हुआ है कि बिना उनकी मदद के, बिना किसी विदेशी की मदद के हमने 250 किलोमीटर से मार करने वाली मिसाइल से लेकर 2,500 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सलाम है कि उन्होंने भारत में इस क्वालिटी की टेक्नोलॉजी दी है कि हम मिसाइल बनाने में बहुत वर्षों के बाद मैं मानता हूं कि एक सही आदमी को भारत रत्न मिला रहे थे, जो ऐसे ऐसे फालतू के लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं।
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक पुस्तक अभी लिखी है, उसका विमोचन हुआ है, उन्होंने कहा है कि हम किसी भी देश पर निर्भर रहकर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमको स्वावलंबी रास्ते पर ही जाना होगा, हमको स्वदेशी के रास्ते पर ही जाना होगा। यही रास्ता तो ये जो हमने काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, इनसे अमरीका बहुत आया। और हमने ये जो अणु परीक्षण कर लिया, इस अणु परीक्षण के बाद ये सिद्ध हो गया है कि भारत 400-500 अणु बम बना सकता है। ये बातें अमेरिका को मालूम है, दूसरे देशों को भी मालूम है। तो अमेरिका इस बात से भी बौखलाया हुआ है कि भारत ने कभी अणु बम बना लिया और वो अणु बम किसी तरह से इराक पहुंच गया, सद्दाम हुसैन के हाथ में आ गया। तो अमेरिका की तो ऐसी तरह हो और सद्दाम हुसैन कई बार ये बात बोल चुका है कि मुझको अगर एक एटम बम मिल जाए तो न्यूयॉर्क के जाऊं। और सद्दाम हुसैन कितना इंटेलिजेंट आदमी है, उसका भी एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले। उससे ये पूछा गया कि एटम बम आपको कहां से मिलेगा, उसने कहा मुझे उम्मीद है कि भारत से मिल जाए। क्यों मिल जाएगा? तो उसने कहा कि भारत के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्यों? पिछले 50 साल से हमको तेल दे रहा है बहुत सस्ते दाम पर, सबसे सस्ता पेट्रोल हमको इराक से मिलता, सबसे सस्ता डीजल हमको इराक से मिलता, सबसे सस्ते पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमको इराक से मिलता। जब से इराक पर पाबंदी लगी है तब से तेल आना बंद है वहां से, नहीं तो हमेशा इराक से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे। और इराक की जो सभ्यता रही है मेसोपोटामियन कल्चर कहते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति के करीब करीब 7-8 विकसित है, तो हमारे तो बहुत पुराने रिश्ते हैं इराक से, आज के नहीं 5,000 साल पुराने रिश्ते। हमारा व्यापार तो उनसे बहुत पहले से चलता है, तो इसलिए वो कहता है कि मुझे मिल जाए। तो फिर क्या करेगा? तो उसने कहा कि मैं गिराऊंगा न्यूयॉर्क। तो रिपोर्टर ने पूछा, मान लो नहीं गिरा पाए तो? अमेरिकी सैनिकों ने पता कर लिया, पहले से उनकी एजेंसियों ने पता कर लिया, उनके CIA के एजेंटों ने पता कर लिया, तो आप क्या करेंगे? तो उसने कहा फिर मैं ऐसा करूंगा कि उसी एटम बम को ले जाके गिरा दूंगा नॉर्थ पोल में। नॉर्थ पोल एक ऐसी जगह है जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां कोई आदमी नहीं है, बर्फ के पहाड़, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़। तो एक एटम बम अगर उसने नॉर्थ पोल पे गिराया तो नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और अगर नॉर्थ पोल की सब बर्फ पिघल गई तो अमरीका पानी में ही डूब जाएगा। इसलिए अमरीका बहुत लाया कि कहीं ये एटम बम अगर सद्दाम हुसैन के हाथ में गया तो अमरीकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। और इस बौखलाहट में अमेरिका ये सब कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अमेरिका ने पिछले 50 साल में जितने पाप किए हैं उन सब पापों की सजा उसको मिलेगी एक ना एक, क्योंकि दुनिया में सत्य है और दुनिया में सत्य की सुरक्षा भी होती रहेगी। आज से नहीं, रावण के जमाने से कंस के जमाने, रावण चाहे जितना ताकतवर हो जाए, कंस चाहे जितना ताकतवर हो जाए, एक ना एक दिन उनको मरना ही होगा। और जो जितने अहंकारी होते हैं वो उसका साथ करेगा। हमको हमारे देश के बारे में सोचना होगा कि हम अमेरिका से अपनी दूरी कैसे बढ़ाएं। दोस्ती करेंगे नुकसान होगा, दूरी रहेगी फायदे में रहेंगे। और मेरा मानना यह है कि अगले साल मई 1999 के बाद जब डॉलर गिरना शुरू हो जाएगा तो हमारा व्यापार जितना डॉलर में होगा उतना ही नुकसान। इसलिए डॉलर पे डिपेंडेंस हमको कम करना होगा, और डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत से अमरीकी कंपनियों को विदा कर दिया जाए। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि भारत सरकार नहीं भगा सकती, मत भगाए, लेकिन हम सब भगा सकते हैं। तो मेरी आपसे पहली अपील है कि अमरीकी कंपनियों के सामान खरीदना बंद कर दें, पेप्सी कोला पीना बंद कर दें, कोका कोला पीना बंद कर दें, हम सब इनका पीना बंद और ये सब इसलिए भी पीना बंद करिए, पेप्सी कोका थम्सअप पिंटा सिप्रा की ये पीने लायक नहीं। एक तो अमरीकी सामान है, दूसरा इसका मुनाफा अमरीका जाता, कितना जाता? पेप्सी की बोतल 70 पैसे की बनती, 10 रुपए की बिकती, 1,300% मुनाफा है अमरीकी कंपनी, 1,300% मुनाफा कमाती है अमरीकी कंपनी। ऐसी कोका कोला की बोतल 72 पैसे में बनती, 10 रुपए की बिकती, और कोका कोला का जो टिन का पैक है 18 रुपए में मिलता है 200 मिलीलीटर, 3 पैक में जो कोका कोला, इसका माने लगभग 100 रुपए में 1 किलो, लगभग 100 रुपए में।
तो 100 रुपए में 1 किलो कोका कोला बिका, 14 रुपए में 1 किलो गाय का दूध बिकता, 47 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल मिलता, 100 रुपए में 1 लीटर कोका कोला मिलता, पेट्रोल से महंगा कोका कोला, गाय के दूध से महंगा कोका। तो क्यों किए हम सब पागल थे बेवकूफ? इसलिए कोका कोला पीना बंद करिए, पेप्सी थम्सअप लिम्का सिट्रा मेरिंडा ये सब पीना बंद करिए। रॉबी ने पेप्सी कोला की और कोका कोला की बोतलों को समुद्र में फेंकवा दिया। क्यों? ब्रिटेन के डॉक्टरों का कहना है कि पेप्सी और कोक पीने से कैंसर होता है और किडनी फेल हो जाती है। तो आप क्या करें? क्योंकि अगर हम पेप्सी कोला पीते रहेंगे, कोका कोला पीते रहेंगे, तो पैसा यहां से अमरीका जाता है, और 70 पैसे का पानी हम 10 रुपए में पिएंगे तो कितना पैसा अमरीका जाएगा, आप उसका अंदाजा तो लगाएंगे। इसलिए कल से कोई भी पेप्सी नहीं पिएगा जो भी सभा में यहां बैठे हैं। पेप्सी कोका कोला थम्सअप लिम्का कि हमारे देश के 2 लाख गांवों में पीने का पानी नहीं, करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। जिस देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता, उस देश में अगर कोई पेप्सी और कोका कोला पीते हुए मैं देखता हूं तो मेरा खून जलता है। पर मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही है जो पेप्सी और कोक। एक तो अपना पैसा देश के बाहर भेज रहा है, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, देश का पैसा तो जा रहा है, खुद भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए आप पिएंगे नहीं और किसी को पिलाएंगे नहीं। और अगले 3 महीने के बाद मुझे ये खबर मिलनी चाहिए कि पुसद गांव में पेप्सी और कोका कोला की सब दुकानें बंद हो गई। क्योंकि आप खरीदना बंद करेंगे और आप किसी को खरीदवाना भी बंद करेंगे, आप पीना बंद करेंगे, पिलाना बंद करेंगे, तो बिकना अपने आप ही बंद हो। मानेंगे कि पुसद के लोगों ने टेंशन लगा दिया, ऐसे ही मेरा एक दूसरा निवेदन है। बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि क्या पिए फिर राजीव भाई, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, नींबू का शरबत, दही की लस्सी, दही की ताक, दही की छाछ, गाय का दूध, कुछ नहीं मिले तो माटले का पानी तो है। तो माटले का पानी पिएंगे लेकिन पेप्सी नहीं, कोक नहीं, थम्सअप नहीं, लिम्का नहीं। और ऐसे ही एक और अमरीकी कंपनी खरीदना हर व्यक्ति बंद करेगा, किसी के घर में भी कॉलगेट नहीं आना चाहिए, और इसकी डेडलाइन भी 3 महीने रखी कि 3 महीने के बाद कॉलगेट की बिक्री पुसद में खत्म हो जानी चाहिए, कोई कॉलगेट नहीं खरीदेगा। और कॉलगेट के अलावा आप पूछेंगे क्या क्लोजअप खरीदे, वो भी नहीं खरीदे। कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फौरन, पेप्सोडेंट, ये सब खरीदना बंद, एक भी पेस्ट खरीदने लायक नहीं है। कॉलगेट तो अमरीकी कंपनी है, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, सिबाका, फौरन, ये सब की कंपनी, और यूरोप भी आज हमारी मदद नहीं कर रहा। अमेरिका ने जिस तरह से टेंशन लगाए थे, यूरोप ने उसमें हमें हाँ मिलाई, इसलिए यूरोप से कोई दोस्ती नहीं। और यही यूरोप है जो 200-250 साल हमको लूटता रहा, यही डच कंपनियां थी जो हमको लूटती रही, फ्रांसीसी कंपनियां थी जिन्होंने लूटा, अंग्रेजी कंपनियां थी जिन्होंने लूटा, इसलिए यूरोप भी भारत का कभी दोस्त नहीं रहता, इसलिए यूरोपियन कंपनियों का माल भी नहीं खरीदा। तो पेप्सी कोका थम्सअप के साथ साथ कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फौरन, पेप्सोडेंट सब खरीदना बंद। तो आप पूछेंगे फिर क्या? लिम्बा की काड़ी, नीम का दातुन घर घर में आए, नीम का दातुन करें, बबूल का दातुन करें, नीम का दातुन, बबूल का दातुन करें, और उसके साथ साथ हर व्यक्ति एक नीम का झाड़ लगाए, क्योंकि नीम का दातुन जिनको चाहिए वो एक नीम का झाड़ भी लगाए। हिंदुस्तान में 98 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति अगर एक नीम का झाड़ लगाए हर साल तो 98 करोड़ नीम के झाड़ लगेगी और नीम का दातुन हर व्यक्ति को मुफ्त में उपलब्ध हो सकेगा। तो नीम का दातुन करिए। और इसके फायदे क्या है? अगर सारे देश के लोग पेस्ट खरीदना बंद करें और 50 पैसे में एक काड़ी भी खरीदे तो किसी गरीब आदमी को रोजगार मिलेगा नीम का दातुन बेचने का, हमारा अमरीका जाने से बच जाएगा। तो ये कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फौरन का स्टूडेंट खरीदना बंद, और नीम का दातुन इसलिए भी करें कि क्वालिटी में बहुत अच्छा, ऑक्सीजन बहुत निकलता नीम के पेड़, और दूसरा नीम का पेड़ 300 तरह के कीटाणुओं को मार, तो लगातार आपके मुंह में जो कीटाणु बनते हैं उससे सुरक्षा करेगा आपकी नीम का दातुन, माने लगातार सुरक्षा चक्र नीम का दातुन, और लगातार कीटाणुओं से लड़ने का काम भी नीम का दातुन। जो लोग दातुन नहीं कर सकते वो दंत मंजन, लाल दंत मंजन है, काला दंत मंजन है, वीको वज्र दंती है,
या कोई दंत मंजन अपने घर में भी बना लीजिए, त्रिपला चूर्ण खरीद लाइए बाजार, बाजार में त्रिपला चूर्ण मिलता और त्रिपला चूर्ण में थोड़ा नीम पिलाइए, नमक पिलाइए, दंत मंजन बनता, दंत मंजन से दांत साफ करें। दो फायदे हैं, एक तो उंगली का इस्तेमाल आप करेंगे और उंगली का इस्तेमाल जब करेंगे तो उंगली में एक मेरिडियन पॉइंट है, दाहिने हाथ की पहली उंगली, एक्यूप्रेशर का विज्ञान बताता है दाहिने हाथ की पहली उंगली में मेरिडियन पॉइंट, और ये मेरिडियन पॉइंट है लार्ज इंटेस्टाइन का, बढ़िया। तो जितनी देर उंगली से दांत साफ करते हैं उतनी देर ये पॉइंट प्रेस होता है और आपकी बड़ी आंख की मालिश होती है, इसलिए दांत साफ करिए हमेशा अपने, ब्रश करना बंद करें क्योंकि ब्रश करने लायक, जो ब्रश आप अपने मुंह में रगड़ते हैं उस ब्रश को कल यहां करिए, फिर बातों भी करिए, फिर तीसरे दिन करिए, फिर चौथे दिन करिए, फिर पांचवें दिन करिए, फिर छठवें दिन यहां से खून लीजिए, फिर छह दिन में टूथब्रश हाथ पर से खून निकाल देता, उसी टूथब्रश को आप सालों साल मुंह में क्यों कर रहे हैं? लोगों के मसूड़े बहुत सॉफ्ट हो गए, हमारे गम्स बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए सॉफ्ट गम्स वाले किसी भी आदमी को ब्रश नहीं करना चाहिए। जिन देशों में सर्दी पड़ती है, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में, वहां ब्रश कर सकते हैं क्योंकि वहां के गम्स बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए ब्रश करना बंद करें। और पेस्ट और ब्रश बंद करें, नीम का दातुन, मफूर का दातुन या भीको बजदंती, लाल दंत मंजन, काला दंत मंजन, देव तरह के दंत मंजन है, आप अपने घर में भी बना। ऐसे ही एक और अमरीकी कंपनी का सामान कभी नहीं खरीदेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन, उसका साबुन देखता, प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसका साबुन देखता, ये भी अमरीकी ब्रैकेट एंड कोल में जॉनसन एंड जॉनसन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये तीनों अमरीकी कंपनियां हैं, एक भी कंपनी का माल यहां नहीं खरीदा जाएगा और 3 महीने की उसकी भी डेडलाइन तय करनी है। जॉनसन एंड जॉनसन का, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, ब्रैकेट एंड कोलमैन का सारा माल पुस्तक में बिकना बंद, और उसकी जगह दूसरी भी कुछ परदेशी कंपनियां हैं उनका भी खरीदना बंद करिए, जैसे हिंदुस्तान लीवर, और हिंदुस्तान लीवर के साबुन कुछ बिकते हैं जैसे लक्स, लाइफ बॉय, रिल, रेक्सोना, पियर, केमे, और पामोलिव, कॉलगेट पामोलिव का, जॉनसन एंड जॉनसन का, किड्स नाम का एक साबुन आता है, ये सब परदेशी कंपनियों के साबुन खरीदना बंद है। तो आप पीछे के क्या खरीदे, स्वदेशी साबुन खरीदे, निर्मा है, चंद्रिका है, मैसूर संदल है, मार्गो है, नीम है, मेडिमिक्स है, ये सब स्वदेशी साबुन है। पुस्तक में खादी ग्राम उद्योग की दुकान अगर कहीं हो तो वहां से साबुन ले आइए, सब स्वदेशी साबुन वहां पर, और उनको कहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी साबुन लाकर वो बेचना शुरू करें, तो एक पैसा भी देश का बाहर नहीं जाना चाहिए। और आप चाहें तो साबुन से भी अच्छा तरीका है नहाने के लिए, चने का आटा, दूध की मलाई, हर एक के घर में मौजूद, और चने के आटे में दूध की मलाई मिलाइए, उससे नहाने। दूसरा तरीका है मुल्तानी मिट्टी, हर गांव में मिलता बनेगा, उसमें कच्चा दूध मिलाइए, फिर उससे नहाइए, सब बेस्ट क्वालिटी है। और साबुन कम से कम लगाइए क्योंकि साबुन लगाने के लिए नहीं, ये साबुन जो आप रगड़ते हैं अपने शरीर पर इसमें कास्टिक सोडा है, और कास्टिक सोडा का बनाया हुआ कोई भी साबुन जब आप शरीर पर लगाते हैं तो रफनेस आ जाती है। साबुन से नहाइए, 10 मिनट के बाद नाखून से लाइन खींचिए, सफेद रंग की लाइन खींचिए, इसलिए कोई भी साबुन मत लगाइए। जाड़े के दिनों में साबुन से नहाइए, चेहरा पर सफेद हो जाए, इसलिए साबुन से मत नहाइए, शरीर के आटे से नहाइए, दूध की मलाई से नहाइए, मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, और हमारे यहाँ मसूर की दाल का आटा है उससे नहाइए, ये सब नहाने के बेस्ट क्वालिटी प्रिपरेशन है। भाइयों से मेरा निवेदन है कि कभी भी पामोलिव की शॉप पूछे मेरे कौन सी शेविंग क्रीम खरीद है, मेरा सुझाव माने तो बिना शेविंग क्रीम के भी शेव बनती है, और आप बना सकते हैं। कैसे बनती है, जब शेविंग क्रीम नहीं होती थी कैसे शेव बनाते थे, अपने चेहरे को बिगाड़, फिर कच्चा दूध ले गए अपने हाथ में, 4-5 बूंद कच्चा दूध अपने चेहरे पर लगा, उसके बाद रेजर चला, एकदम चिकनी दाढ़ी बनी, बहुत स्मूथ शेप बन गई। और 3 फायदे होंगे आपके, सबसे पहला फायदा ब्लेड आपका 2 गुना चलेगा, अगर आप कच्चा दूध लगा के शेप बना रहे हैं तो 2 गुना ब्लेड चलेगा। दूसरा फायदा, कच्चा दूध लगाकर आप शेप बना रहे हैं तो आपको आफ्टर शेप लोशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरा बड़ा फायदा, कच्चा दूध लगाकर शेव बनाए तो कच्चा दूध चेहरे की सफाई करता है, कच्चा दूध बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, तो रोज अगर आप चेहरे पे लगाएंगे आपके चेहरे की सफाई होगी, चेहरे की सफाई होगी, चेहरे का चमक आ जाएगी और बिना पैसे में स्मार्ट हो जाएंगे आप। मेरा स्वाद क्या है, पामोलिव में बिकना बंद, ओल्ड स्पाइस बिकना बंद, कोई भी शेविंग क्रीम परदेशी कंपनी से नहीं।
ऐसे ही आपसे निवेदन है कि इनके साबुन शेविंग क्रीम खरीदना बंद करें, इनके पाउडर भी खरीदना बंद करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल आता है वो खरीदना बंद करें, हिंदुस्तान लीवर का सर्फ आता है, रिन आता है, जील आता है वो खरीदना बंद करें, इन सब परदेशी कंपनियों के कपड़ा धोने के साबुन भी ना खरीदें, खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर कपड़ा धोने का साबुन भी मिलता है, आप चाहे तो निर्मा ले सकते हैं, हीकोलीन ले सकते हैं, टी क्रीम ले सकते हैं, फेना ले सकते हैं, ये सब स्वदेशी है उनका इस्तेमाल करें। किसी तरह से बाटा का जूता ना पहने, डीएससी एडिडास ये सब ना पहने, एडिडास तो अमरीकी कंपनी है, बाटा तो कनाडा कंपनी है, इनका पैसा देश के बाहर जाएगा। और ये जूता अगर आप पहनना बंद करेंगे तो कौन सा जूता पहने, आपके गांव का मोची जो जूता बनाता उसको पहने, आपके गांव का मोची जो चप्पल बनाता उसको पहने, तो क्या होगा, आपका पैसा आपके गांव के गरीब भाई के पास जाएगा। और मैंने एक दिन हिसाब लगाया, पूरा कैलकुलेशन किया कि पूरे देश के लोग बाटा, एडिडास, प्यूमा, बटरफ्लाई ये सब परदेशी कंपनियों के जूते खरीदना बंद कर रहे और हर व्यक्ति गांव के मोची से ही जूता पहने तो 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है जूता देश में, तो ये रोजगार देने का काम हम करते हैं। ऐसे ही आपसे एक और निवेदन है कि आपके घर में ऐसे ढेर सारे दूसरे सामान आते हैं उनको भी खरीदना, लोगों ने एक यादी छापी, एक पैम्फलेट छापा, शायद आप सबको मिला होगा, नहीं मिला होगा तो लेके जाइएगा। और यहाँ के साथियों को मैं अपील करूंगा कि वो हर एक के घर में वो यादी पहुंचा, सबसे बड़ा पुण्य का काम इस समय देश में यही हो सकता है कि आप अपने अपने नाम से कोई 1000 यादी छापे, कोई 10,000 छापे, एक एक घर में पहुंचा, स्वदेशी क्या परदेशी क्या, हर व्यक्ति को ये माहिती होनी ही चाहिए, हर व्यक्ति को ये जानकारी होनी चाहिए। तो यादी मिल जाएगी, पैम्फलेट मिल जाएगा और वो पुस्तिका लेकर जाए, ऐसे कुछ पुस्तकें भी हैं यहाँ के साथियों के पास, वो पुस्तकें भी आप ले सकते हैं। कभी भी कोई ये ना कहे कि हमको पता नहीं है विदेशी सामान क्या है स्वदेशी क्या, गलती से भी घर में विदेशी सामान ना। इसी तरह से आपसे एक और निवेदन है कि आप लोग बन सके उतना खादी पहने, ये जींस पहनना बंद करें और जींस का कोई भी कपड़ा ना, ये सबसे फालतू का कपड़ा है दुनिया में, सबसे इडियोटिक कपड़ा है जींस। और आजकल के नौजवानों में बड़ा फैशन आ गया है जींस पहनने, और ऐसे बेवकूफ हो गए हैं आजकल के लड़के लड़कियां। एक दिन मैं मुंबई नाम के शहर में गया, एक कॉलेज में मेरा जाहिर व्याख्यान, कॉलेज में मैं गया तो सब लड़के लड़कियां जींस पहनकर आए और एकदम स्किन टाइट जींस पहने। तो मैंने पूछा एक लड़के को, सब लोग कहने लगा लगे राजीव भाई यहाँ तो चॉकलेट डे भी होता, यहाँ तो रोज डे भी होता, यहाँ तो वैलेंटाइन डे भी होता, हम मनाते थे रक्षाबंधन, हम मनाते थे दिवाली, हम मनाते थे होली दशहरा, अब मनाते हैं जींस और चॉकलेट, कैसा सत्यानाश हुआ है। और जब मेरा व्याख्यान शुरू हुआ तो सारे लड़के लड़कियां हॉल में आ गए, मैं उन सबको कहा बैठ जाओ, मैंने बैठ नहीं जाओ क्योंकि इतनी टाइट जींस पहन रखी थी कि बैठते ही फटती। मैंने एक लड़के को कहा कि भाई तकलीफ क्या है तुझको, उसने कहा मुश्किल से आगे भाई ये मैंने चढ़ाई। मैंने कहा कैसे चढ़ाते, तो उसने कहा जमीन पर लेटना पड़ता है, ठीक ठीक। मैंने कहा भाई तू पागल है, इडियट है कि स्मार्ट, चढ़ाने में तकलीफ हो रही है, उतारने में उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो खुद ही कह रहा था कि जब उतारते हैं तो पता नहीं अंदर का क्या क्या होता है। आप कहेंगे अमेरिका में पहनते हैं, अमेरिका वाले पागल है सब कुछ, अब आप बनेंगे पागल, यूरोप के लोग पागल हैं, आप पागल बनना चाहते हैं। और वहां तो इसलिए पहनते हैं कि वहां पे सर्दी बहुत पड़ती है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा कपड़ा हो उतना अच्छा, यहाँ तो गर्मी बहुत पड़ती है और गर्मी पड़ने वाले देशों में जितना पतला कपड़ा पहने उतना अच्छा, इसलिए बेवकूफी मत करिए, जींस पीन पहनना। और किसी भी स्कूल कॉलेज में ये जींस डे नहीं होगा, वैलेंटाइन डे नहीं होगा, रोज डे नहीं होगा, चॉकलेट डे नहीं होगा, ये भारतीय संस्कृति के ठीक उल्टी बातें, ये सब बंद करेंगे और भारतीय संस्कृति के काम करिए, भारतीय संस्कृति का अनुरूप काम करिए। आप लोग फिर पूछेंगे क्या पहने, मेरी बात अगर माने आप तो खादी पहने ज्यादा से ज्यादा। और खादी क्यों पहने, एक बार लोकसभा में एक सवाल पूछवाया था मैंने एक एमपी के माध्यम से, एमपी से मैंने ये कहा, मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा कि सरकार से पूछो एक साल में कितनी खादी बिकती है पूरे देश, तो सरकार के मंत्री ने जवाब दिया 1%। ठीक है कि सिर्फ 1% खादी के बिकने से भी भारत के 15 लाख गरीबों को रोजगार मिलता है,
तो मैंने एक दिन सोचा, कैलकुलेशन करके देखा जाए कि अगर 1% खादी बिकती है, 1% खादी बिकती है तो 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता। अगर 100% खादी बिकी तो 100% खादी बिके तो 1500 लाख गरीबों को रोजगार मिले, माने 15 करोड़ गरीबों को रोजगार मिले। और 15 करोड़ गरीबों को अगर रोजगार मिलता है तो यह गरीबी दूर करनी है तो खादी करनी। और खादी में आप क्या क्या कर सकते हैं, साल में आप कुछ जोड़ी कपड़े खादी के पहने, कुर्ते पजामे के रूप में, कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जैसे टॉवल है खादी का ले लीजिए, रूमाल है खादी के ले लीजिए, पर्दे बनाने हैं आपको खादी के ले लीजिए, सोफा सेट का कवर बनाना है खादी का ले लीजिए, बेडशीट चाहिए आपको खादी का ले लीजिए, ओढ़ने के लिए चाहिए तो खादी का ले लीजिए। माने जितना ज्यादा से ज्यादा खादी की बिक्री बढ़े उतना ही हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार बढ़े। और उसी दिन से मैंने खादी पहनना शुरू किया। तो मैं आपको भी निवेदन करता हूँ कि आप भी ज्यादा से ज्यादा खादी पहने। हम ही हमारे देश के लोगों का बनाया हुआ कपड़ा नहीं पहनेंगे तो कोई परदेशी नहीं पहनेगा। और खादी उसके कपास से ही खादी का कपड़ा बनता है, और खादी का कपड़ा ज्यादा से ज्यादा बिकेगा तो कपास की बिक्री ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी, तो किसान को भी दाम मिलेगा, तो भारत के किसान का भला होगा, भारत के मजदूरों का भला होगा, इस देश के गरीबों को रोजगार मिलेगा। और एक आपसे और निवेदन है कि हम लोग ये जो परदेशी कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं, अमरीकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक काम और करिए, अमरीकी बैंकों का बहिष्कार करिए। मेरा निवेदन यह है, वैसे तो शायद मुझे उम्मीद नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जानकारी के लिए, ध्यान रखने के लिए, कि आपके किसी दोस्त का या आपका सिटी बैंक में कोई खाता हो तो उसको तत्काल बंद करें। हमें सिटी बैंक में अपना कोई खाता नहीं रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखिए, भारत के तमाम नेशनल बैंक है जो हमारे राष्ट्रीय बैंक है या हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, उनमें अपने बैंक अकाउंट खोलिए, ना कि सिटी बैंक में, अमेरिकन एक्सप्रेस में, एनजेड खोलिए। आपका कोई रिश्तेदार बंबई में रहता है, दिल्ली में रहता है, पुणे में रहता है, बड़े शहरों में रहता है, वहां पर सिटी बैंक की ब्रांचेज हैं, अमेरिकी बैंकों की ब्रांचेज हैं, उनके पास अगर सिटी बैंक का कार्ड है, उनका अकाउंट अगर सिटी बैंक में है, तो उनको आप लगातार इस बात के लिए प्रमोट करिए, उनको लगातार इस बात। और इसी तरह से एक काम और करें कि अगर हम अमरीकी कंपनियों का बहिष्कार करते हैं, सामान खरीदना बंद करते हैं, अमरीकी बैंकों का बहिष्कार करते हैं, हर साल हजारों करोड़ रुपया इस देश का बचता है। इसी तरह से एक काम और करिए, अमरीकी टीवी चैनलों का भी बहिष्कार करें। जो सबसे खतरनाक अमरीकी टीवी चैनल है उसका नाम है स्टार टीवी, और जो दूसरा सबसे खतरनाक अमरीकी टीवी चैनल है उसका नाम है ESPN। तो ये स्टार टीवी ESPN का पूरी ताकत से बहिष्कार करें। और आपको मालूम है, जब आप स्टार टीवी देख रहे होते हैं या स्टार का कोई चैनल देख रहे होते हैं, ESPN देख रहे होते हैं, तो एक साल में भारत के लोगों के खून पसीने की कमाई का 225 करोड़ रुपया अमरीका चला जाता है, क्योंकि स्टार टीवी पे चैनल है, ESPN भी पे चैनल। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मुफ्त में दिखाते, कोई मुफ्त में नहीं दिखाते, सब पैसा यहां से अमरीका जाता है। और वैसे भी स्टार टीवी पे आता क्या है देखने लगते, सब फालतू की उल्टी सीधी बातें, एक एक से घटिया घटिया सीरियल आते। यूरोप में जो बर्बादी हो रही है, वहां जो सेक्स की वल्गैरिटी है, अश्लीलता है, कामुकता है, वही तो सब दिखा। और मेरी बात माने तो ये सब के सब केबल कनेक्शन कटवाई जाते हैं, ये केबल कनेक्शन रखने लायक। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति रहे, आपके बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें, उनका मानसिक विकास हो, उनका बुद्धि का विकास हो, तो टीवी बंद करें। ये टीवी दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। एक तो ये खतरा सबसे बड़ा ये है कि लगातार टीवी के माध्यम से इस देश के बच्चों को बचपन में जवान बनाया जा रहा है। आपकी गंभीरता का आपको एहसास तब होगा जब आपके घर में कोई दुर्घटना हो जाएगी आपकी बेटी के साथ या आपके बेटे के साथ। बात किया इंडिया टुडे का अंक पढ़ेंगे आप रो देंगे अंदर। इस देश में ये शुरू हो गया है, 12-12 साल की बच्ची, 13-13 साल की लड़कियां सेक्सुअल रिलेशन करती हैं, उनके माँ बाप भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए और वो फंसते हैं किसी दूसरे चक्कर में। और कई बच्चों के इंटरव्यू आए हैं उस इंडिया टुडे, मैं तो अंदर से कांप गया कि क्या हो रहा है इस देश। ये सब मैंने देखा है, अमेरिका में होता है, यूरोप में होता है। अमेरिका में 11 साल की लड़की भी मां बनती है, 10 साल की लड़की भी मां बनती है। अमेरिका में ये साधारण सी बात है कि 12-13 साल की उम्र में लड़की पहली बार मां बन जाए, किसी को वहां आश्चर्य नहीं होता।
क्योंकि वही उनकी संस्कृति। और अमरीका में आप जाएंगे तो आपको ऐसे ढेरों स्कूल मिलेंगे जहां पर उन लड़कियों को पढ़ाया जाता है जो 11 12 13 साल में मां बनती है। उन्हीं बच्चियों के लिए अलग से स्पेशल स्कूल है अमरीका, उनको सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे पालना चाहिए, उसकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, क्योंकि 11 साल की बच्ची खुद बच्ची है, वो बच्चे को कैसे पालना तो सिखाया जाता है, इसके स्कूल चलते हैं। यूरोप में भी यही, यूरोप में तो कई देश, और ये सब सत्यानाश अमरीका में और यूरोप में जानते हैं क्यों हुआ? फ्री सेक्स, जो फ्री सेक्स और फ्री सेक्स एजुकेशन आया वहां की सोसाइटी में, उसी से सबसे बड़ा सत्यानाश आया। और अब वहां के लोगों को लगता है कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है। मेरे बहुत सारे दोस्त अमरीका, उनके बेटे बेटियां जवान होने वाले हैं, उनको रात दिन चिंता खाए रहती कि पता नहीं बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा। शायद ही कोई ऐसी लड़की आपको अमरीका में मिले जो शादी के पहले 2-3 बार एबॉर्शन ना करा चुकी। हाँ, इस पे हंसी है, गंभीर बात है, ऐसी लड़की शायद ही आपको मिलेगी अमेरिका में, और यूरोप में तो बहुत ही असंभव है। और शायद ही ऐसे पति पत्नी मिलेंगे आपको जो एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं। बिल क्लिंटन सबसे बड़ा उदाहरण। कि बिल क्लिंटन इतना बड़ा तमाशा करे फिर भी बीवी उसकी तलाक ना दे उसको, ये अमेरिका में चल सकता, भारत में नहीं चलने वाला। भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की कोई परमिशन नहीं है समाज में, यहां एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन पाप माना जाता है, पर स्त्री गमन पाप माना जाता है, पर पुरुष गमन पाप माना जाता है, और यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और इसको रोकने के लिए ही भारत के ऋषियों ने मुनियों ने संयम नाम की संस्कृति विकसित की है, संयम रखो अपने ऊपर, दूसरे की मां को मां की तरह से देखो, दूसरे की बेटी को बेटी की तरह से देखो, बहन की तरह से। यहां स्त्री स्त्री नहीं है, या तो मां है, या तो बहन है, या तो बेटी है। तो जैसे ही किसी स्त्री को हम स्त्री के रूप में देखते हैं तो एक भाव होता है, और उसको मां के रूप में जब देखते हैं तो तुरंत भाव होता है। जैसे ही किसी स्त्री को स्त्री के रूप में देखते हैं तो एक भाव होता है, लेकिन जब उसको बहन के रूप में देखना शुरू करते हैं तुरंत भाव बदलता है, बेटी के रूप में देखना शुरू करते हैं भाव बदल जाता है, मन में पवित्रता आ जाती है, मन में संयम आ जाता है। और ये पवित्रता और संयम की बहुत पुरानी संस्कृति है भारत की, जिसको तोड़ने की साजिश हो रही है टेलीविजन के माध्यम से। टेलीविजन में आप देखिए जितने सीरियल आते हैं सब सीरियल एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन दिखाते हैं, किसी की बीवी किसी के साथ भागी, किसी का पति किसी के साथ भागा, कोई किसी की प्रेमिका को लेके भाग गया, कोई किसी के प्रेमी के साथ चली गई, यही सब इससे कहानी। और उसके लिए मार धाड़ लड़ाई झगड़े, इसकी हत्या करवाना, उसकी हत्या करवाना, इसके खिलाफ साजिश करना, उसके तो आप सोचिए आप देख जा रहे भारतीय संस्कृति की ठीक उल्टी बातें आपको देख ली जा रही। या बेटी शादी के पहले मां बने तो ये सबसे बड़ा कलंक है, और बागवान सीरियल में हर लड़की को शादी के पहले ही मां बनता पड़ेगा। क्यों दिखा रहे हैं? ताकि भारत के लोग भी बिल क्लिंटन की तरह से करें, हमारी मां बहन बेटियां बढ़कर चलना असुरक्षित हो जाए, यही चाहते हैं हम। इस देश की एक एक बहन एक एक बेटी बढ़कर निकलने में मुश्किल पैदा हो जाएगी अगर इसी तरह के टीवी सीरियल इस देश में दिखाए जाएंगे, इसी तरह के फिल्म दिखाई जाए। इसलिए आप लोग इसको जल्दी से जल्दी बंद कर दीजिए अपने घर में, और आपने इसको बंद किया तो शांति आएगी आपके घर में, संस्कार बनेंगे आपके बच्चों के, संस्कार आपके भी बनेंगे, और जो आपका चित्त भटक रहा है फालतू की बातों में, कामुकता में, अश्लीलता में, सेक्स की वल्गैरिटी में हम सब फंसते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, वो सब फसाव बढ़ सकता है, रुक सकता है। और हमारे यहाँ इस बात पर गंभीरता से ध्यान दीजिए, कहा जाता है अगर चरित्र गया तो सब गया, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। टीवी अच्छा रहेगा करेक्टर चला जाए, क्या करेंगे चलिए, अपने बच्चों को चरित्र नहीं दे सकते, संस्कार नहीं दे सकते, उनको माँ बाप नहीं देना, बच्चों को संस्कार देकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम। तो जिनको संस्कार देना नहीं आता, जिनको बच्चों को चरित्र की शिक्षा देनी नहीं आती, वो माँ बाप ना बने कृपया, कम से कम इस भारत पर बोझा तो ना। और अगर आप माँ बाप बने हैं तो उसकी गंभीरता को समझें और उसको निभाएं। आप ही अगर टीवी के सामने बैठ जाएंगे
अश्लीलता और कामुकता देखने के लिए तो आपके बच्चे कैसे होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बच्चों को कहेंगे तुम होमवर्क करो, सारे काम जिसको आप करेंगे, अपने बच्चों को साहित्य की शिक्षा, अपने बच्चों को संस्कृति पढ़ाएं, अपने बच्चों को भारतीयता बताएं, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं, अपने बच्चों को कला सिखाएं, पेंटिंग बनाना सिखाइए, मूर्ति बनाना सिखाइए, वॉयलिन बनाना सिखाइए, गिटार बजाना सिखाइए, सितार बजाना, तमाम काम है जो कर सकते हैं और आप करवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो साहित्य है, संगीत है और कला है, इनकी शिक्षा गहराई के साथ बच्चों को मिलनी चाहिए तो भारतीयता बढ़ेगी और भारतीय संस्कृति का विकास होगा और ये अश्लीलता कम होगी, कामुकता कम होगी और अमरीकी संस्कृति भारत में रुक जाएगी। तो ये काम भी हमको करना है, साथ साथ ये काम चलेगा। एक तरफ परदेशी सामानों का बहिष्कार, दूसरी तरफ अमरीकी सामानों का पूरी तरह से खरीदना बंद, सिर्फ स्वदेशी ही खरीदेंगे, खादी पहनेंगे और अपने घर में बन सके उतना ये केबल कनेक्शंस को निकालेंगे और केबल कनेक्शंस निकाल कर घर घर को मुक्त कराएंगे, भारतीय संस्कृति को फिर से वापस कराएंगे। ये कुछ कुछ काम है जिनको हर व्यक्ति अगर करे तो इस देश का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अमरीका, और हम बचे रहेंगे अमरीका के दुष्प्रभाव से, हम बचे रहेंगे यूरोप के दुष्प्रभाव से। यही आपसे मैं कहने आया था और आपसे कुछ मांगने आया था, वोट मांगने नहीं आया। किसी पार्टी से मेरा कोई रिश्ता नहीं और ना आपसे वोट मांगने आया, तो आप मुझे क्या मांगने आया? आपसे संकल्प मांगने आया हूं, वो भी अपने लिए नहीं, एक राष्ट्र के लिए। आपका संकल्प चाहिए, एक तो आप हमेशा स्वदेशी इस्तेमाल करें, ये संकल्प चाहिए, अमरीकी सामानों का बहिष्कार करें, ये संकल्प चाहिए, और आपके घर में परदेशी टीवी चैनल बंद हो जाए, इसका संकल्प चाहिए। और ये संकल्प अगर आप मुझे देंगे तो मुझे लगेगा कि इस देश में क्रांति हो सकती है। क्रांति आपके घर से होगी, क्रांति पहले अंदर होती है, बाहर बाद में होती है। और अगर ये काम शुरू हो जाए गाँव गाँव गली गली इस देश में, तो वैचारिक क्रांति अपने आप शुरू हो जाएगी। और भारत ही नहीं, दुनिया के हर देश का एक उदाहरण है कि हर देश में पहले वैचारिक क्रांति होती है, उसके बाद फिर दूसरी क्रांति होती है। तो भारत में भी पहले वैचारिक क्रांति करनी है और इसी क्रांति के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। तो आपको मैं निवेदन करने आ रहा कि आजादी बचाओ आंदोलन के लिए संकल्प दें कि आपके घर में स्वदेशी आएगा, परदेशी का बहिष्कार, अमरीकी सामानों का बहिष्कार और अमरीकी टीवी चैनल, परदेशी टीवी चैनलों का बहिष्कार। और जो लोग संकल्प ले सकें वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं एक एक शब्द दोहराऊंगा, आप मेरे पीछे कहेंगे, मैं एक एक वाक्य कहूंगा, आप मेरे जो कुछ कहूंगा आप उसको दोहराएंगे, और बहने जहां मैं कहूंगा करूंगा वहां बहने कहेंगी करूंगी, इसका ध्यान रखें। और हम लोग गंभीरता के साथ ये संकल्प लेंगे और इसको अपने जीवन में पालन करने की कोशिश करेंगे। बोलिए, मैं संकल्प करता हूं कि अपने राष्ट्र की आर्थिक आजादी, राजनीतिक संप्रभुता और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी सामानों का ही इस्तेमाल करूंगा। अमेरिका जैसे देशों में मेरे राष्ट्र पर जो पाबंदियां लगाई हैं और भारत का जो अपमान किया है उसको ध्यान में रखते हुए मैं संकल्प करता हूँ कि कभी भी किसी भी अमरीकी कंपनी का कोई सामान नहीं खरीदूंगा। पेप्सी कोला, कोका कोला, कॉलगेट, जॉनसन एंड जॉनसन, डॉक्टर एंड गैम्बल आदि अमरीकी कंपनियों का पूरी ताकत से बहिष्कार करूंगा। अपने राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने के लिए मैं संकल्प करता हूँ कि परदेशी टीवी चैनल और सिनेमा का
यथाशक्ति बहिष्कार करूंगा। बहुत आभार।